ठीक है ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और है सिस्टम का, वो मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का है, उसको देखते हैं, उसको देखेंगे। इससे पहले इसकी इसको पहले कर लेते हैं सिंप्लेक्स को, फिर ये सिंप्लेक्स भी खत्म हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। फिर एक और क्वेश्चन ऐसा जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक और गेट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ भी पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो भी इनइक्वालिटीज है, फिर वहां से क्वेश्चन होगा। वो एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वहां समझ में आया। क्वेश्चन को देखो ना, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है, क्या इनइक्वालिटीज है, ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा भाई। हम कितने क्वेश्चन लगवाएंगे बताओ, दो, एक अच्छा क्वेश्चन लगवा दिया, एक और अच्छा क्वेश्चन गेट में आया हुआ उसको भी करेंगे। बाकी अभी सिंप्लेक्स करते हैं, इससे भी आया हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ, पर वही है ना, अनसर्टेन है, पता चला आ गया इस बार तो कर लेते हैं। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा आसान सा क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे। हाँ, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को देखो, क्या है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग आप में जो ग्राफिकल मेथड है उसमें वो उसकी लिमिटेशन क्या है ना, कि उसमें केवल उसको तभी यूज कर सकते हो जब दो वेरिएबल्स हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल में फिर लीनियर नहीं लगेगा। लेकिन सिंप्लेक्स है जो अभी ये पढ़ेंगे, ये जनरलाइज है, ये किसी भी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए लगा सकते। कितने लेक्चर हो सकता है भाई, 15-16 के आसपास, उतने में हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। इन्हीं सब में टाइम लगेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रिलायबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन अच्छे से करेंगे, और जो कम आता है गेट को उसको उसकी भी एक ओवरव्यू, उसका भी ओवरव्यू लेंगे। रफ अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनेगा। दो किसी भी क्वेश्चन को दोनों से नहीं कर सकते ना, केवल दो वेरिएबल्स वालों के लिए ग्राफिकल मेथड है जो हमने अभी पढ़ा, और जो पढ़ने जा रहे हैं ये एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हो हाँ इसको लगा सकते हो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी वो लाइव क्लासेस में जाके देख भी सकते हो अपने जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं, वहां से उसको फास्ट करके 2x या 1.5x स्पीड से देख सकते हो, टाइम बचाना है तो करेंगे, यहाँ भी करेंगे, जहां भी आएगा तो बेसिक से करेंगे जो कोई भी क्वेश्चन होगा। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो उससे ग्राफ बनाने में मदद मिलेगी ना, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट तो कहीं ना कहीं वो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो निकालना जरूरी होता है, तो भी ग्राफ बना पाओगे, जो फिजिबल रीजन है उसको सेट कर पाओगे, तो वो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट, निकालना जरूरी है। अच्छा, इतने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, हाँ टाइम भी हो गया है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने ग्राफिकल मेथड देखा। तो ग्राफिकल मेथड में एक प्रॉब्लम है कि जहाँ भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में x1 x2 और उससे पहले में xy, इस तरीके से ये वेरिएबल्स की संख्या दो से ज्यादा हो गई, तो वहां पे प्रॉब्लम है, वहां फिर ग्राफिकल मेथड फिर एप्लीकेबल नहीं है। उसका कारण क्या है ना कि ग्राफ तुम जनरली दो वो एक्स और वाई वेरिएबल्स के करिस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, और नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, वहां ग्राफ विजुअलाइज नहीं हो सकता, वहां ग्राफ नहीं बन सकता, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है ना कि एक नया एल्गोरिथम जिसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लीनियर ही होना चाहिए, लीनियर मतलब ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए इस टाइप का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अप टू nxn तक दिखना इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि ये 13x1 स्क्वायर ये x2 क्यूब हो जाए, तो वहां भी ये नहीं लगेगा। है ये लीनियर प्रोग्रामिंग ही, लेकिन इसको और ये इसका जो डायमेंशन और बढ़ गया, डायमेंशन कैसे बढ़ गया कि यदि मान लो ये अभी तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल होते या चार या एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते, उस केस में ग्राफिकल मेथड लगा पाना मुश्किल है, मुश्किल क्या, नहीं लगा सकते हो, वही उसकी लिमिटेशन है। और यहाँ पे क्या है, सिंप्लेक्स मेथड में क्या है ना, सिंप्लेक्स मेथड में कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ डील कर सकते हो, ये इसका एक एडवांटेज है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज से। बाकी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एक क्वेश्चन करेंगे, और एक गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअली ना, 2013 में आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन वो सिंपल सा क्वेश्चन तब बनेगा ना जब आपको उसकी जो जो उसके पीछे का एल्गोरिदम है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, कि कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर मैट्रिक्स में पिवट कॉलम, पिवट टेबल, ये सब निकाल के कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूरा नहीं सॉल्व करना होता, वो एक दो इटरेशन ही कराता, मतलब ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो उस एग्जाम हॉल में 2 से 3 मिनट में तुम क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करा रहा, पूरा ऑप्टिमाइज करा रहा, ऐसा कुछ नहीं। ये
फिजिबल का क्या है, जैसे देखा था ना कि जो ग्राफ है, ग्राफ के बीच में जब एक कॉमन रीजन तुमको मिल रहा था सराउंडेड बाय डेफिनेट बाउंड्रीज, तो उसको बोलते हैं फिजिबल। इन फिजिबल मतलब कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, बाउंडेड मतलब वही पूरी तरीके से बाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब क्या है कि चलो उसकी जो बाउंड्रीज है, एक या दो बाउंड्रीज क्या है, ओपन है, मतलब पूरी तरीके से बाउंडेड नहीं है, एक फिक्स बाउंड्री उसकी नहीं है। यूनिक सोल्यूशन क्या है, जैसे तुमको 4 क्वाड्रिलेटरल वाला वो मिला था ना, एक रीजन मिला था शेडेड रीजन जो कि फिजिबल था, उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट आए थे, तो एक ही पॉइंट करेस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम मिला था। इस तरीके से ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना, एक से ज्यादा पॉइंट करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिले, तो वहां पे फिर मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएंगे, तो वो वहां पे यूनिक सोल्यूशन होता है। बाकी हो गया, चलो फिर देखते हैं इसको। इसको क्या है ना, इसके पहले की भी स्लाइड्स हैं, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये तुम कर लोगे तो फिर वहां समझना आसान हो जाएगा। इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। उसका कारण क्या है ना कि ये थोड़ा सा मतलब बिट डिफिकल्ट है उसकी तुलना में, ग्राफ की तुलना में, ग्राफिकल मेथड में, क्योंकि तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ साथ कुछ इसका अल्गो भी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ, इसमें वो है ना, नया है पूरा, ग्राफिकल मेथड नहीं है, ये सिंप्लेक्स है, उससे हट के तो करेंगे ही नहीं ना, केवल यहाँ से दूसरे तरीके स्टार्ट करेंगे। ये दिख रहा है ना, ये इक्वेशन दिख रही है क्या, एक बार कंफर्म करना, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये मैक्सिमम जेड इक्वल टू 13x1 + 11x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 4x1 + 5x2 < or = 15005, 5x1 + 3x2 < or = 1575, x1 + 2x2 > or = 420, x1 x2 = 0। ये क्या दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो, कि और कुछ वो करें, बड़ा करें, देख लो एक बार, ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कंफर्म करना जल्दी से, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। हाँ ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ये इसमें है कितने, 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप एक बार ग्राफिकल मेथड सॉल्व करके देखो, एक बार खुद से ग्राफिकल मेथड अभी सॉल्व करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस लाइन को और इस लाइन को क्या करो, ड्रॉ करो, कॉमन रीजन निकालो और कॉर्नर पॉइंट बताओ जिससे करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जेड की मैक्स वैल्यू बताओ, ये निकालो, फिर इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे और सेम आंसर तक पहुंचेंगे, मतलब कंक्लूजन सेम है, दो अलग अलग मेथड से। तो इसको एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट दे लो, उसके बाद हम इसको सिंप्लेक्स जो नया तरीका है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि आप दोनों ही केस में आंसर सेम आता है, कंक्लूजन सेम आता है, बस जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दोनों अलग अलग मेथड्स में वो डिफरेंट है। तो उस तरीके से थोड़ा सा एक बार करके देखो अपने एंड पे, फिर उसके बाद करते हैं इसको, एक बार करो खुद से करो, क्योंकि ये ग्राफ से भी हो जाएगा ना, 2 ही वेरिएबल्स हैं, x1 x2 के साथ ही डील कर रहा है, तो इसको बढ़िया होगा, आप खुद से लगाओगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर इसको सिंप्लेक्स से सीखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करो एक बार ट्राई करो, 2-3 मिनट ले लो आराम से, फिर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन उससे करेंगे, सिंप्लेक्स से करेंगे, घर में जाके आराम से करना, ग्राफ से कंफर्मेशन लेना, पर यहाँ पे 2-3 मिनट एक बार करके देख लो कैसे कुछ निकल रहा है कि नहीं सोल्यूशन। अरे यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, पर बताओ तो क्या है, कौन सा पॉइंट है जिसे करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिल रहा है, और क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वो भी सॉल्व करके बताओ। उसको देखना वहां से, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसको सिंप्लेक्स से करते हैं ना, ग्राफ से खुद करके देखना, फिर तब नहीं होगा घर पे भी तो फिर बताना, अभी इस पे टाइम लगेगा काफी, ये इसके पीछे आपको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, उसको खुद से करना, क्योंकि आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल लाइन दे रखी है, वो वीडियो देखना, वहां से करोगे तो हो जाएगा। अभी क्या है ना कि इसको इस मेथड से पहले करते हैं सिंप्लेक्स, जो जिस जो हमारा आज का क्लास का वो है शेड्यूल्ड, जो भी है सिंप्लेक्स सीखना, वो सीखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं ग्राफ से। ग्राफ से करो, नहीं होगा तो फिर दोस्त वगैरह से पूछो, नहीं हो रहा तो फिर करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, कर तो रहे हैं दोस्त लोग, कर रहे हैं तुम्हारे, और कोई कर रहा है क्या, या फिर स्टार्ट करें। कितना आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 270 एंड 75, देखते हैं सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा क्या क्या आ रहा, हम आंसर तो हमें नहीं पता, देखना पड़ेगा। और कोई कर रहा है क्या, और कोई 1-2 मिनट ले सकते हो, कर रहे हो तो फिर इसके बाद अब अपन वो करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कैसे करना, क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, इसके बाद इसके गेट के क्वेश्चन। हाँ करो करो करो, बढ़िया है बढ़िया है, करो
और लो, कुछ समय और ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और वो फिर इसके बाद तो पूरा सीखेंगे क्या है, कैसे करते हैं। और किसी का और कोई जो कर रहा हो? 270 एंड 75। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया, सही है, बढ़िया कर रहा हो। ग्राफ से आ गया ना। अब यही है कि ये 3 वेरिएबल होता तो ग्राफिकल मेथड से नहीं होता, फिर सिंप्लेक्स ही है, उसी से करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। एक बच्चे ने निकाला है सही, बाकी और ट्राई कर रहे हैं। यार ठीक है, वो हमें नहीं पता कौन पॉइंट कितने आएंगे, आंसर का आइडिया है हमें क्या है आंसर। अरे बढ़िया, हाँ 270 एंड 75। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये ग्राफ से हुआ, ठीक है ना, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब सिंप्लेक्स इस एल्गोरिदम से देखेंगे, यहाँ से भी उतना ही आएगा। दो अलग अलग तरीके हैं तो उससे भी देखेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ ग्राफ से हुआ, बढ़िया है बढ़िया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल वाला ही है, उसी से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके ज्यादा क्वेश्चन उत्तर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस इसका जो एल्गोरिदम है वो इम्पोर्टेंट है, वो समझ लो, जो इसका स्टेप्स इसमें होते हैं, कैसे कैसे करना होता है, कैसे इनइक्वालिटी को हटाना होता है, फिर टेबल बनानी होती है, वो देखेंगे बस। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर, करें किया जाए या कोई कर रहा है अभी भी? किया जाए क्या, कोई कर रहा है? कुछ लोगों ने तो आंसर निकाल भी लिया, काफी बढ़िया है, और सही आंसर निकाला है 270 एंड 75, जो कि काफी अच्छी बात है। स्टार्ट किया जाए, बोलो तो। हाँ ना, कोई बोलते ही नहीं हो, स्टार्ट कर दें फिर बोलो कोई कि क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइड से साइड में लिख देते हैं, फिर उसको जो उसका यहाँ पे तरीका है उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको किया क्या जाए, सबसे पहले यहाँ इसको साइड में करो, यहाँ पे इसका जो भी क्वेश्चन है इसको लिख देते हैं, जो कि ठीक रहेगा, देखिएगा अभी, फिर अदरवाइज अभी दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैक्सिमाइज करना है आपको किसे, जेड इक्वल्स टू 13 टाइम्स x1 प्लस 11 टाइम्स x2। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसके बाद आगे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, सब्जेक्टेड टू जो सब्जेक्टेड टू है क्या है, 4x1 प्लस 5x2 स्मॉलर आर इक्वल्स देन 1500। और जो दूसरी इक्वेशन है, 5 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x2 स्मॉलर आर इक्वल देन 1575। तीसरी इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं, x1 प्लस 2x2 स्मॉलर इक्वल देन 420, और फाइनल क्या है, दोनों नॉन निगेटिव होने चाहिए, x1 x2 बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना क्या क्या लिखा हुआ है, 13x1। हाँ, सेम आएगा सेम आएगा। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है 13x1 प्लस 11 टाइम्स x2 को, और जो इनइक्वालिटीज दे रखी है उससे करस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस हैं वो क्या है, 4 टाइम्स x1 प्लस 5 टाइम्स x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 1500। उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी है 5x1 प्लस 3x2 शुड बी स्मॉलर देन 1575, और जो तीसरी इनइक्वालिटी है, x1 प्लस 2x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 420। ठीक है, और चौथा तो ये तो पता होता है, ये जनरली दिया नहीं दिया ही रहता है, दोनों नॉन निगेटिव होने चाहिए। अब क्या है इसमें, जैसे अभी उसमें क्या था, उसका मेथड क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा, इनइक्वालिटीज फॉर्म की और ग्राफ बनाना स्टार्ट किया इस लाइंस का, और जो भी फिजिबल रीजन था वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ उस तरीके से करोगे आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सिंप्लेक्स में एक टेबल बनानी होती है, मैट्रिक्स टेबल होती है। तो सबसे पहले करो क्या, तो जितने भी, जैसे ये
जितनी भी इनइक्वलिटीज हैं इसको क्या करना होता है, इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यानी इनइक्वलिटीज हटानी होती हैं। तो इनइक्वलिटी हटाने के लिए करो क्या, ये इनइक्वलिटीज जो है इसको इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इनइक्वलिटी दी है ना, इसको एक ऐसा कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि ये इनइक्वलिटी हट जाए। तो उस वेरिएबल को जनरली हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं अपन स्लैक वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल पढ़ने को मिलेंगे, एक होता है स्लैक वेरिएबल और एक होता है सरप्लस वेरिएबल। पर उतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा कि आपको स्लैक सरप्लस सब एक साथ यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ, देखो इसको कैसे हम इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको इसको कन्वर्ट करेंगे। इसका स्टेप ऐसे होता है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 4x1 प्लस 5 टाइम्स x2 प्लस s1। एक हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। अब क्यों प्लस s1 किया, ये जो वैल्यू है इससे कम है, तो यदि कोई हम टर्म ऐड कर देंगे तो इसके बराबर इसको हम कर सकते हैं। तो वही जो वेरिएबल है उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे s1। s1 मींस यहाँ पे इसी वेरिएबल को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और ये किसके इक्वल कर देते हैं, जो राइट हैंड साइड लिखा हो 1500। उसके बाद अगला जो टर्म है इस तरीके से, इसमें भी एक नया वो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 5x1 प्लस थ्राइस ऑफ x2 प्लस s2, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1575। ये दिख रहा है। और सिमिलरली इसमें भी ऐसा करेंगे, तो x1 प्लस 2x2 प्लस s3 इक्वल टू 420। ये इतना समझ में आया क्या, क्या किया हमने, जहां पे जो एस आईज हैं s1 s2 s3 हैं, ये स्लैक वेरिएबल है। ये समझ में आया क्या, एक बार बताना तो। हाँ ना बोलो, ये जो हमने किया ये टर्म, ये इस इनइक्वलिटीज को एक स्लैक वेरिएबल के हेल्प से इक्वलिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला क्या था, 4x1 प्लस 5x2, तो प्लस s1 किया इक्वल टू 1500। दूसरा सिमिलरली, ये तीन स्टेप किए, सबसे समझ में आया, ठीक है। हाँ सिंपल सा है। अब इसके बाद क्या है ना, एक चीज को और इसमें ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है कि जितना भी राइट हैंड साइड है ना, जो भी, उसको सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना, इक्वल टू 0 बनाना है। तो जैसे इस वाले केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब इस तरीके से बनाओगे तो क्या लिखोगे इसको, इसको ऐसा कुछ लिखोगे, जेड इक्वल्स टू, अरे इस वाली टर्मिनोलॉजी को लेफ्ट में लेके आओगे उस टर्म को, तो क्या बनेगा, z-13x1 -11 टाइम्स x2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इन सबको लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 4x1 प्लस 5x2 प्लस s1। तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 5x2 प्लस s1 -1500 इक्वल टू 0। और यहाँ पे चले जाएं तो 5 टाइम्स x1 प्लस थ्राइस ऑफ x2 प्लस s2 -1575 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस s3 -420 इक्वल टू 0। ये इतना समझ में आ रहा है, क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वल टू 0 बनाना है। तो जो भी राइट में यदि कुछ टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, और इस तरीके से कुछ लिख देना है सिंप्लीफाइड टर्म, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब क्या है ना कि इसको एक टेबुलेट फॉर्म में, यानी इसमें दो तरीके से, एक बार अब करना क्या होगा ना, आप सोल्यूशन को इनिशियलाइज करना होता है। जैसे कि x1 x2 हमें नहीं पता, x1 x2 एक्चुअली वैल्यू है कितने x1 x2 की, तो हम लोग सोल्यूशन को इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियली x1 और x2 को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यदि x1 और x2 को 0 मान लेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियली 0 हो जाएगी। तो इनिशियलाइज किया जाता है सबसे पहले, तो इसको ये इतना समझ में आया। अब इसको बैक चलते हैं, जो जहां पे हमने छोड़ा था, क्योंकि तो वहां समझेंगे, ये तो कोई स्टोरी हो गई, क्या कैसे चीजों को समझना है। तो यहाँ पे अब थोड़ा स्लाइड से पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या है, थोड़ा बेसिक बेसिक इसके टर्मोलॉजीज हैं वो समझना जरूरी है, तभी
क्वेश्चन हो पाएगा। दिख रहा है क्या? तो और बड़ा किया जाए। बार कंफर्म करिएगा। सिंप्लेक्स मेथड, अभी जो हमने वहां पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, एक और होता है सरप्लस भी होता है। हाँ ठीक है। तो जब डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन टू, वी ऑलवेज यूज सिंप्लेक्स मेथड। वही डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब वही जो एक्स वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 से ज्यादा हो जाए ना तो ग्राफिकल से फिर सॉल्व नहीं हो सकता। तो वही लिखा है, व्हेन डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन टू, व्हेन डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन टू, यू कांट यूज ग्राफिकल मेथड, यू हैव टू यूज सिंप्लेक्स मेथड। तो इस केस में जब आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन टू है तो हमेशा सिंप्लेक्स मेथड ही यूज करना है। ये ऐसा सिंप्लेक्स का एल्गोरिदम है कि ये एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूजफुल है। आप किसी भी कितने भी नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स हो आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है जिसका भी हमने पहले यूज किया। स्लैक वेरिएबल क्या है ना, जो वेरिएबल जैसे इनइक्वालिटी क्या थी, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इसको एड करते हैं हमेशा इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए। और सरप्लस क्या मतलब क्या है कि यदि मान लो कहीं पे मोर देन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, उस केस में हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको इक्वेट करने के लिए राइट हैंड साइड से। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, हो गया ठीक ठाक, बड़ा हो गया, अभी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है ठीक। तो क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स आर जब मोर देन टू हो तो ये यूज करना है। और दो टाइप के मोर देन टू, उस केस में इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। स्लैक वेरिएबल है जो वेरिएबल एडेड टू है, मतलब जहां पे भी लेस देन और इक्वल टू है वहां पे आप इस सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके उसको इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इक्वलिटी को सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वहां स्लैक वेरिएबल यूज होता है। और जहां वेरिएबल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो जहां भी इस तरीके का सिंबल मिलेगा मोर देन और इक्वल टू, वहां पे आप एक वेरिएबल से उसको हटा के, जिसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना ही, ज्यादा इसमें आपको इनडेप्थ नहीं जाना, इतना ही समझना है स्लैक वेरिएबल का क्या काम है। जब ऐसा सिंबल आएगा लेस देन और इक्वल टू, वहां पे सरप्लस वेरिएबल ऐड करके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उस गिवन इनइक्वालिटी को। सिमिलरली सरप्लस में क्या करना है, जहां भी ऐसा सिंबल आए ग्रेटर देन और इक्वल टू, वहां पे सरप्लस वेरिएबल घटा देना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना इनडेप्थ नहीं पढ़ना, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, क्या होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, इतना इनडेप्थ नहीं पूछता है ये। बस इसलिए हमने बता दिया कि वो पता रहे तुमको कहाँ पे यूज करना है। जहां भी ऐसा सिंबल दिखे वहां पे स्लैक, जहां पे ऐसा सिंबल दिखे वहां पे सरप्लस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बेसिक एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इतना नहीं जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ये तो हमने देख लिया इसको कैसे उस, क्योंकि यहाँ पे सिंबल, जब सभी सिंबल्स लेस देन और इक्वल टू है, इस वजह से हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे केवल स्लैक वेरिएबल यूज किया है। तीनों केस में अलग अलग स्लैक वेरिएबल, कहीं पे भी मोर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, इसलिए सरपस की जरूरत नहीं है। और हमारा मैक्सिमम गेट क्या है, 13x1 + a1x2 है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है, ये सबसे इनिशियलाइज ऐसे करना है, ऐसे ये इनिशियल स्टेप्स हैं, इसके बाद देखते हैं आप क्या करना है। आगे बढ़े नंबर स्टेप्स पता करते हैं। तो वही देखो यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप लिखा हुआ है, तो ये पढ़ते हैं इसको कैसे किया है, उस तरीके से अपन करेंगे इसको। हाँ ठीक है ठीक है। तो स्टेप वन क्या होता है ना, कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वालिटी। वही किया ना, जो इनइक्वालिटीज थी वहां पे उसको, जैसा भी सिंबल था यदि ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल देन था, तो वहां पे हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, उसको ऐड किया और उस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया इक्वेशन के फॉर्म में। तो वही बोल रहा है, तो वही बाय द यूज ऑफ स्लैक वेरिएबल इस वाले केस में देखो किया क्या हमने। सबसे पहले ये जो थे, जहां जहां पे भी ये एक्चुअली पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ऐसा कुछ, लिखा हुआ था यहाँ पे, लिखा हुआ था 4x1, इनिशियली ऐसा था, ये 4x1 + 5x2 इज स्मॉलर आर इक्वल देन 1500। तो हमने क्या किया, जैसा बोला कि जैसे जहां ये सिंबल दिखे वहां पे सिंपली स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, ऐड कर दो, और ये इस तरीके से तीनों इनइक्वालिटीज को हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला स्टेप है ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको इस तरीके से लिख दिया आपने, सिंपली जितना भी राइट हैंड साइड में जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसको ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, उसको इक्वेट कर दिया जीरो के। ये सबसे पहला स्टेप है सॉल्व करने के दौरान, कि गिवन इनइक्वालिटीज को आप सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। इतना क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं?
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो वही लिखा है ना, इंट्रोड्यूसिंग दी स्लैक वेरिएबल्स, इन्हीं स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करो और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको रीराइट करो इस तरीके से कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से लिखना है ना कि जो भी राइट हैंड साइड पे है वो सब को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना और इक्वल टू जीरो कर देना है। और बाकी इन सबको तो आपने इस तरीके से लिख के देख लिया। आगे बढ़ते हैं आगे क्या हुआ, आगे क्या करना है हमें। अगला स्टेप हो गया, इसको देखो। स्टेप वन कंप्लीट हो गया, स्टेप टू को देखिए। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है ना कि इनिशियल बीएफएस का हमें मतलब है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब जो आपने इक्वलिटी फॉर्म कर ली उसमें दूसरा मेथड दूसरा स्टेप है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल मतलब हमें पता नहीं है ना x1 x2 क्या होगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं, स्लैक वेरिएबल नहीं यूज करना है, वो केवल जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो इनइक्वालिटीज हैं वहां पे यूज करना है जिससे कि आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट सको, नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं यूज करना है। तो अब ये क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो करो क्या कि सबसे सिंपल क्या है कि दोनों को x1 x2 को जीरो रख दो, उससे करेस्पॉन्डिंग जो भी आपका s1 s2 s3 आ जाए और जो z आ जाए वो इनिशियल है, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज मतलब कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू लें। तो सबसे सिंपल लेके चलते हैं, जीरो जीरो से लेके चलते हैं। तो x1 को जीरो लिया, x2 को जीरो लिया, तो वहां पे जब पीछे जाओगे वहां पे रखोगे तो x1 x2 दोनों जीरो कर दोगे तो s1 1500 आ जाएगा, s2 1575 आ जाएगा, s3 420 आ जाएगा, और z जो जो कि x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है, x1 x2 दोनों ही जीरो है तो z जीरो आ जाएगा। कौन से वाले में देख रहे थे अपन, इस वाले में देखो। इस वाले में क्या हुआ कि यदि हमने ये किया, यहाँ पे देखो ना इनिशियलाइज कैसे किया, जो जेड था यदि x1 x2 दोनों को जीरो रखोगे जेड जीरो हो जाएगा, जो कि हमने अगले वाले स्टेप में किया। यहाँ पे x1 x2 जीरो करोगे तो दूसरे इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, s1 की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1500, s1 की वैल्यू 1500 मिल जाएगी। सिमिलरली s2 की वैल्यू 1575 मिल जाएगी। x1 x2 जीरो रख देना, इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे भी s3 की वैल्यू 420 मिल जाएगी और z जो है जीरो मिल जाएगा। ये दूसरा स्टेप है, इस तरीके से जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जो कौन से कहाँ पे थे अपन, कौन से वाले पे थे, ये है। तो इसमें क्या था, वही वही लिखा है ना, स्टेप टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे आसान क्या है, x1 x2 दोनों को जीरो कर दो। जीरो किया तो वहां पे करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गए s1 s2 s3 एंड z। अब यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है। तो है ऐसा क्या है कि जो ये s1 s2 s3 हैं, जो आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं उनको हम क्या है, बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। और जो इनिशियली x1 x2 x3 थे जो डिसीजन वेरिएबल्स थे जिससे कि हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि जेड किन वैल्यू पे ऑप्टिमाइज करेगा, उसको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। तो जो हमारे x1 x2 x3 था, जैसे इस क्वेश्चन में x1 x2 है नॉन बेसिक वेरिएबल है, और ये जो s1 s2 s3 जो हमने एक्स्ट्रा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इसको क्या बोलते हैं, हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो s1 s2 s3 तुम्हारे बेसिक हो गए, और जो यहाँ पे x1 और जो x2 दो वेरिएबल इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके वो हो गए नॉन बेसिक वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रखना है। तो वो हो गया क्या, x1 x2 नॉन बेसिक, और जो s1 s2 s3 जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। तो दो स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया हमने, इनइक्वालिटी हटाई विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो राइट हैंड टर्म था उसको जीरो किया। स्टेप टू में क्या किया कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। उसमें क्या है, सबसे सिंपल क्या है कि जो भी उसके नॉन बेसिक वेरिएबल है यानी x1 x2 x3 है जितने भी हो, तो इस केस में दो ही है, x1 x2 को जीरो किया, उसके करेस्पॉन्डिंग s1 s2 s3 z की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे चीज ध्यान रखना है, s1 s2 s3 तुम्हारे बेसिक वेरिएबल है, जो x1 x2 नॉन बेसिक है। इसके बाद क्या है ना कि अब ये जो हमने ये पूरा स्टोरी हमने जो प्लॉट यहाँ क्रिएट किया है इसको एक टेबल में हमें वो टेबुलेट करना होता है इस पूरे डेटा को। तो तीसरा स्टेप है सेटअप एन इनिशियल टेबल। वो टेबल क्या कैसे दिखती है उसको देखते हैं। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार कंफर्म करना, ये टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार कंफर्म करो ये समझ में आया कि नहीं, जो अभी तक हम लोगों ने किया दो दो स्टेप कैसे अपन गए वो एक बार कंफर्म करो। इसके बाद इसको सीखते हैं, ये है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कंफर्म करो कि जो हम लोगों ने अभी पीछे किया वो समझ में आया कि नहीं। ठीक है दिख रहा होगा, हाँ क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो काफी अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। अब क्या है ना कि वो जो हम लोगों ने किया दो स्टेप में उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना होता है। ग्राफिकल में क्या करते थे अपन,
वहां पे सिंपल सा ग्राफ बनाया, फिजिबल रीजन निकाला, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम जेड निकाल दिया। यहाँ पे क्या है कि वही है, थोड़ा सा मेथड्स स्टेप्स हैं वो दूसरे हैं। यहाँ पे इनिशियली क्या किया कि स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इनिशियलाइज किया सोल्यूशन को, फिर उन सभी चीजों को इस जो आपके पास टेबल थी, इस टेबल में क्या किया, टेबुलेट कर दिया उस पूरे को। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टेबल को आपको मैनिपुलेट करते हुए उस फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचना है। तो देखो इस टेबल को थोड़े समझ लेते हैं, इस टेबल में क्या क्या कंपोनेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रो नंबर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दिखा दिया थोड़ा सा स्ट्रक्चर तरीके से दिखाने के लिए। ये सबसे पहला कॉलम है आपके पास बेसिक वेरिएबल। तो जैसा हमने अभी वो किया था, अभी देखा था क्या, S1, S2, S3 क्या था, बेसिक वेरिएबल था। S1, S2, S3 बेसिक वेरिएबल था। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं जो भी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग केस में क्या है, जेड है। तो जितने भी वेरिएबल्स, वो डिसीजन वेरिएबल्स को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स हैं वो तो आपके क्या हो जाएंगे, वो बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। तो X1, X2 केवल ऐसा वेरिएबल है जो कि सिंपली वो डिसीजन वेरिएबल है, वो नॉन बेसिक होगा। बाकी जितने वेरिएबल हैं S1, S2, S3, Z, ये आपके बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। इसके बाद अब क्या करना है ना कि यहाँ पे यहाँ करना है, सबसे पहले वाले कॉलम में आपको जेड की वैल्यू लिखनी है। इनिशियली आपको क्या लिखना है, जेड के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। बेसिकली ये वाला जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड के कोएफिशिएंट्स होंगे, यहाँ पे x1 जो क्या था आपका, उसमें था, जेड के केस में था, जो कि वो है नॉन बेसिक वेरिएबल है। x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे रहेगा s1 s2 s3 का। और ये यहाँ पे रेशियो होता है, इस रेशियो को आगे देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ पे रेशियो होगा, यहाँ पे वैल्यूज होंगी। और अब ये समझो कि कोएफिशिएंट किस चीज का लिख रहे हो। तो जब हमने जेड लिखा था, जेड कैसे लिखा था, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको वो करते हैं, यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। वहां पे हमने जेड कैसे लिखा था, तो देखना ध्यान से, जेड माइनस 13x1 माइनस 11x2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा कुछ। देखो ध्यान से, जेड माइनस 13x1 माइनस 11x2 लिखा था, इस टर्म में लिखा था। तो यहीं पे क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स लिखना है किसका, जेड x1 x2 s1 s2 s3 का, किस वाले केस में, जो आपने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो वो किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो सिंपलीफाई करके ऐसा लिखा है ना, उसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो जेड का कोएफिशिएंट कितना है इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कितना है 1। x1 का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है, माइनस 13। x2 का कितना है, माइनस 11। क्या यहां पे s1 s2 s3 कुछ है इस वाले में, कुछ नहीं है s1 s2 s3। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जेड का कोएफिशिएंट 1 है, x1 का माइनस 13 है, x2 का माइनस 11 है, s1 s2 s3 उसमें है नहीं, तो उन सभी का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। और जेड की वैल्यू भी क्या है, इनिशियली क्या थी वैल्यू, हमने क्या बोला x1 x2 को 0 करना था, x1 x2 को 0 करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वहां पे जेड की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए यहाँ पे इनिशियली सॉल्यूशन में लिख रखा है, यहाँ सीधा सॉल्यूशन है, मतलब आपको जेड की वैल्यू मिल रही है, जेड की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद S1 पे चलते हैं, दूसरा बेसिक वेरिएबल क्या है, S1 है, S2 S3 है। तो S1 का कोएफिशिएंट एक बार हम लोग पीछे जाके देखते हैं क्या है उसमें, जेड का देखो, S1 में जेड तो था नहीं, ये तो हमने देखा था, जो दूसरी इनइक्वालिटी थी उसमें जेड तो था नहीं, ना दूसरे वाले ना तीसरे वाले में था, जेड तो था ही नहीं, X1 X2 S1 S2 S3 था। उसको देखते हैं क्या क्या था, उसको यहाँ पे लिखते हैं क्या था, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। क्या था, ऐसा कुछ था, ये है ना, एक बार ध्यान से देख लो क्या है, इस वाले केस में माइनस 13 कोएफिशिएंट था x1 का, यहाँ माइनस 11 है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 4 है, x2 5 है, s1 का 1 है, 4 5 1, बाकी इसकी वैल्यू क्या है, 1 5 0 है, बाकी सब 0 है। तो वहां पे देखो, हम यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वही किया है, S1 का जो दूसरी इनइक्वालिटी आपने वो की फॉर्म की है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया इक्वेशन के फॉर्म में, X1 का ऑप्शन 4 है, X2 का 5 है, S1 1 है, बाकी सब 0 है, और जो उसकी वैल्यू थी 1500 थी, क्योंकि जब आपने इनिशियलाइज किया था, हमने दूसरे स्टेप में निकाला ना वैल्यू, दूसरे स्टेप में क्या किया था कि X1 X2 0 किया था, वहां से S1 S2 S3 मिल गया था, S1 की वैल्यू 1500 मिल गई थी, S2 की 1575 मिल गई थी, S3 की 420 मिल गई थी, और बाकी जो वो था X1 X2 0 था, उसे करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू में 0 मिली थी। तो ये 1500 S1 की वैल्यू थी, दूसरे स्टेप में निकाली थी, ये 1575 S2 था, 420 S3 की वैल्यू थी, और जेड की वैल्यू 0 आ गई थी, क्योंकि हमने X1 S2 को इनिशियली 0 मान लिया था। तो ये पहला रो क्लियर, इसे कोएफिशिएंट लिखा है। फिर दूसरी इक्वालिटी को देखो, वहां पे कोएफिशिएंट क्या था, 4 5 1 था। अब तीसरे को देखते हैं, जो तीसरी वाली इनइक्वालिटी थी उसमें क्या था, तो
उसको ध्यान से देखो, तो इस वाले को देखो, एक हो गया, ये दूसरी इनइक्वालिटी हमने देख ली। अब ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन में एक्स वन का कोएफिशिएंट 5 है, एक्स टू 3 है, एक्स टू 1 है, बाकी सभी कोएफिशिएंट 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1575 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे जेड तो 0 था ऑलरेडी एस टू में, एक्स वन 5 था, एक्स टू 3 था, एस वन वहां पे एग्जिस्ट नहीं किया, एस वन 0 था, एस टू कोएफिशिएंट 1 था, एस थ्री 0 था, और जो उसकी वैल्यू थी 1575 थी। सिमिलरली तीसरी वाली जो लास्ट इक्वेशन है, वहां से भी आप ऐसे कोएफिशिएंट यहाँ पे टेबल ऐसे बिल्ड कर लोगे। तो ये टेबल बिल्ड करना, यहाँ तक क्लियर? रेशियो को भी छोड़ो, रेशियो को भी मत ध्यान दो, ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ, टेबल कैसे वो करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ, कुछ लोग क्लियर हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, एक बार थोड़ा देखो तो क्या लिखा हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या किया है हमने, जो कोएफिशिएंट्स थे कैसे हमने स्टेप टू के बाद ये वैल्यू कैसे रखी है, फिर बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को क्लियर हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, देखो एक बार। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है करते हैं करते हैं करते हैं, कुछ लोगों को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है, ठीक है करते हैं, कोई नहीं करते हैं, क्यों परेशान हो, ठीक है फिर से एक बार देखो कैसे लिखा है हमने। यहाँ पे क्या है कि इस कॉलम में आपका बेसिक वेरिएबल्स रहेगा जेड, एस वन, एस टू, एस थ्री। यहाँ पे क्या है, जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका कॉलम है ये, एक्स वन, एक्स टू, एस वन, एस टू, एस थ्री, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी, और इस रेशियो को अभी बाद में देखते हैं, पहले इतना समझते हैं, वो रेशियो आगे इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या क्या, जो हमने यहाँ पे देखो जेड को ऐसे लिखा था, ऐसे सिंप्लीफाई करके, जेड -13 x1 -7 x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, x1 का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में कितना है 30, -13, x2 का -11, वहां पे देखो यही हमने रखा है, जेड का कोएफिशिएंट 1 है, x1 -13 है पहली इक्वेशन में, x2 -11 है, s1 s2 s3 का कोएफिशिएंट 0 है, कुछ नहीं है, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0, क्यों, क्योंकि हमने स्टेप 2 में क्या किया था, x1 x2 दोनों को 0 किया था, तो दोनों को 0 करोगे तो यहाँ पे 0 रखो, इसको भी 0 रखो, इसको भी 0 रखो, जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, जेड 0 हो गया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन पे जाते हैं, तो उसको देखो ध्यान से, ये देखो, ये जैसे एक ये कंप्लीट हुआ, अब जब दूसरे वाले में जाओगे, यहाँ पे इस वाले में जाओ, दूसरे वाले में, तो यहाँ पे जेड तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, x1 का कोएफिशिएंट है कितना 4, x2 का है 5, x3 है नहीं यहाँ पे, s1 का 1 है, s2 भी नहीं है, s3 भी नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1500, क्योंकि x1 x2 आपको इनिशियली जीरो रखना था। तो यहाँ पे अब आप फिर से देखो क्या किया हमने, कोएफिशिएंट क्या किया है, जेड की जेड का कोई कोएफिशिएंट था नहीं, x1 का कोएफिशिएंट 4 था, x2 5 था, s1 एग्जिस्ट किया वहां पे, s1 1 था, s2 0 था, s3 0 था, और उसकी जो वैल्यू थी इनिशियली, इनिशियल जो स्टेप में, स्टेप 2 में हमने किया था 0 0 डाल के 1500 हो गया। तो इसी तरीके से हमने जो और अगली इक्वेशन है वहां से कोएफिशिएंट्स उठाए और यहां रख लिए, s3 में वहां से कोएफिशिएंट्स उठाए वहां रख लिए। एक बार ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर एक बार देखो, अभी तो हो जाना चाहिए भाई, अभी तो हो जाना चाहिए क्लियर, अब क्या क्लियर नहीं हो रहा बताओ। कोएफिशिएंट्स तो लिख रहे हैं, कुछ ऐसा खास तो नहीं कर रहे हैं, कोएफिशिएंट से लिखा जा रहा है, अब यहाँ भी नहीं क्लियर हो रहा, ये तो काफी मतलब, एक बार नहीं तो दो बार देखो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर, ठीक है बढ़िया बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया ना, अब क्या है यहाँ पे, ये हमने इनिशियल टेबल सेट कर ली, मतलब जो डेटा हमने वो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया था वो पूरा इस टेबल में ऐसे आपको टेबुलेट कर लेना है, अब इस टेबल के साथ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया, ठीक है अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, इस बेसिक वेरिएबल में हो क्या रहा है, यहाँ पे सभी क्या है बेसिक वेरिएबल है, पर हमें चाहिए ना एक्स वन एक्स टू चाहिए, जो एक्स वन एक्स टू, क्योंकि उसकी हेल्प से आपको जेड मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इस वाली जो रोज है इसमें आपको एस वन एस टू एस थ्री जो बेसिक वेरिएबल, इनको हटा के ये जो एक्स वन एक्स टू है नॉन बेसिक वेरिएबल है, इनको यहाँ पे लेके आना, इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस कौन सी वाली जो कॉलम है उसकी एंट्री करस्पॉन्डिंग रो में होगी, ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, जो मोस्ट नेगेटिव होगा इस वाले कॉलम में, जेड की रो में देखना है, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको क्या करना है, पिक करना है, मतलब ये रो के करस्पॉन्डिंग, ये वाली मतलब इस कॉलम को, जो मोस्ट नेगेटिव कॉलम है ना जेड के करस्पॉन्डिंग, एक्स वन जो कॉलम है ये जो है ये इंटर करेगा इस वाले इन चार इन तीनों में से किसी एक में ये इंटर करेगा, जो एक्स वन वाला कॉलम है
इस रो में एंटर करेगा, ये एंटरिंग, इसको बोलते हैं एंटरिंग कॉलम। और ये इतना क्लियर होगा कि नहीं, कैसे ये डिसाइड कर पा रहे हैं जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है जेड की, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एंटर करना है, और एक जो रो है उसको हमें बाहर भी करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें S1, S2, S3 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें X1, X2 चाहिए, जो कि जिसे करस्पॉन्डिंग हमें जेड निकालना है, क्योंकि जेड जो है S1, S2 पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो X1, X2, X3 पे डिपेंड कर रहा है। तो X, X1 को यहाँ बोलते हैं इनकमिंग, इसको बोलते हैं सिंपली इनकमिंग, या इनकमिंग मत बोलो, इनकमिंग थोड़ा सही नहीं रहेगा, एंटरिंग बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एंटरिंग, क्या बोल सकते हो, X1 वाला जो है एंटर करेगा, तो एंटरिंग कॉलम हो गया है। ये हो गया आपका एंटरिंग कॉलम, ठीक है, ये एंटर करेगा X1 वाला, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव, हमें मोस्ट नेगेटिव देखना है। इसके बाद अब इन इन चारों में से किसी को हटना भी है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इस रेशियो से, ये रेशियो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रेशियो कैसे निकालना है, इस चीज को देख लो, ये जो वैल्यू है ना, ये 1500 जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय जो करस्पॉन्डिंग, जिस भी आप कॉलम को हटा रहे हो उसे जो कोफिशिएंट्स है उसे डिवाइड करना होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, रेशियो जो है होगा यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है सॉल्यूशन है डिवाइडेड बाई जो भी आपका एंट्रिंग कॉलम के कोफिशिएंट्स है, तो एंट्रिंग कॉलम के जो भी कोफिशिएंट है, एंट्रिंग कॉलम, तो इसको करना क्या है, रेशियो कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्यूशन की जो वैल्यूज हैं, जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, इससे आपको क्या कर देना है, सिंपली एंटरिंग वेरिएबल होगा, क्या एंटरिंग वेरिएबल होगा, एंटरिंग वेरिएबल ये बता रहे हैं ना, एक्स वन आपका एंटरिंग वेरिएबल है, मोस्ट नेगेटिव देखना, मोस्ट नेगेटिव क्या है आपका माइनस 13, जिससे करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल एंटरिंग होगा। अब हमें निकालना आउट गोइंग वेरिएबल, मतलब कौन सा इनमें से हटा के किसको रिप्लेस करना है एक्स वन को, ये पता करना है ना, उसके लिए करना क्या होगा हमें, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये रेशियो निकालना होता है, ये जो सॉल्यूशन की वैल्यू से करस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो इसको ध्यान से देखो, 1500 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 1500 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 375 आएगा, 1575 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 315 आएगा, और 420 डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो ये रेशियो समझ में आया क्या, रेशियो कैसे निकाला समझ में आया, ये समझ में आया क्या, नहीं इधर तो सही है भाई, कनेक्टिविटी सही है इधर, वो तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है भाई, कनेक्टिविटी सही है इधर, कनेक्टिविटी का कोई सुनिए यार, एक बार अपना इंटरनेट वापस बंद करके देख लो, चेक कर लो, हो सकता है तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ ठीक है ना, ये समझ में आया ना कि ये कैसे एंट्रिंग कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये जो एंट्रिंग वेरिएबल एक्स वन है ये एंटर करेगा, और आउटगोइंग के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने रेशियो निकाला है, रेशियो क्या है, जो भी उसकी जो वैल्यूज हैं उसको जो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं जो भी एंटरिंग कॉलम के उससे डिवाइड किया, तो 1500 डिवाइड बाय 4 दिस वैल्यू, सिमिलरली ये तीनों ये दोनों आ जाएंगे। अब इसमें जो मिनिमम होता है, इस रेशियो में जो मिनिमम होता है वो आपका क्या हो जाता है, आउटगोइंग हो जाता है, तो मिनिमम इसमें कितना है, 375, 420, 315 में ये क्या है आपका मिनिमम है, ये मिनिमम, इस मिनिमम को आपको क्या है बाहर निकालना है, तो इसे करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल, एस टू, एस टू वेरिएबल क्या होगा आपका, बाहर जाएगा और ये जो X1 वेरिएबल है S2 को रिप्लेस करेगा, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, S2 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे S2 को बोलते हैं आउटगोइंग, आउटगोइंग वेरिएबल। इतना समझ में आया क्या, कैसे हमने डिसाइड किया आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग जो वेरिएबल है वो है आपका सिंपली S2, और जो एंटरिंग कॉलम है उसे करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल X1, तो X1 आपका क्या है, सिंपली X1 है आपका एंटर करेगा, और S2 जिसे करस्पॉन्डिंग मिनिमम ये रेशियो की वैल्यू है वो क्या करेगा, आउटगोइंग है, वो बाहर जाएगा। तो इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करके आप नई टेबल बनाएंगे, तो नई टेबल में क्या होगा कि ये S2 की जगह आपको X1 दिखेगा, बाकी ये सभी अभी सेम दिखने वाला है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कैसे है, अगली टेबल कैसे बनेगी, तो एंटरिंग देख लिया, आउटगोइंग देख लिया हमने, तो वो वहां तक वो क्लियर हुआ कि नहीं, वो आउटगोइंग एक बार और, आउटगोइंग नहीं हुआ, कितना फास्ट बोलना है भाई, नहीं
ठीक है, करते हैं करते हैं एक बार और। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कैसे क्या। ये देखिए करना क्या है कि इसमें ये आपने टेबल बनाना सीख लिया। अब टेबल में करना क्या है, इस तरफ हमें चाहिए क्या, वो X1 X2 X2 X3 चाहिए, जिसे करस्पॉन्डिंग जेड मैक्सिमम है। मतलब यहां से X1 X2 X3 हटे, आपका X1 X2 X3 आए। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन सा इनमें से वेरिएबल वो होगा इंटर करेगा। तो इसका क्या हमने रूल बताया कि जो भी सबसे मोस्ट नेगेटिव है उसको आप पिक करेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव है तो ये आपका हो गया इंटरिंग वेरिएबल सिंपली। तो ये जो है इन चारों में से किसी को रिप्लेस करेगा। आप किसको रिप्लेस करेगा, मतलब कौन सा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, वो पता करने के लिए हमने क्या सिंपल रेशियो निकाला। रेशियो कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है इसे करस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू डिवाइड बाय जो भी इनके कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे यहाँ पे जो ये -13 के करस्पॉन्डिंग, ये क्योंकि ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा अंदर, इसमें जाएगा, रिप्लेस होगा किसी ने किसी को, तो इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको सिंपली इससे डिवाइड कर देना, जो भी आपके सॉल्यूशन दे रखे हैं। लाइक 1500 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, 1575 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, 420 डिवाइड बाई 1 करोगे तो इतना मिलेगा। तो अब इसमें से जो सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम आपका कितना 315 सबसे मिनिमम है। तो इस 315 के करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल दिख रहा है S2, वो रिप्लेस होगा। तो आपका जो S2 की जगह क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा। इतना क्लियर कि नहीं, आउटगोइंग क्लियर हो गया ना इतना, कि कैसे एंट्रिंग देख रहे हैं कैसे आउटगोइंग देख रहे हैं। इतना क्लियर तो वो आगे बढ़ पाएंगे। बताओ जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ये कंफर्म कर दो फिर आगे चलते हैं। हाँ ना, तो बोलो भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या फिर हम कंटिन्यू करें, खत्म कर दें ऐसे। रिस्पॉन्स तो दो कि नहीं, कैसे ये डिसाइड करें क्या है एंट्रिंग कॉलम और क्या है आउटगोइंग। तो एंट्रिंग वेरिएबल X1 हुआ, आउटगोइंग ये कैसे डिसाइड होगा क्या, कि कौन सा इसमें से एंट्रिंग है, कौन सा इसमें से आउटगोइंग। इतना क्लियर ना, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बहुत समय लगेगा इस तरीके से, तो ठीक है। अब हमने किया क्या कि देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा था, पहले S2 दिख रहा था, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो हुआ क्या कि जो आपका S2 की जगह क्या आ जाए, X1 आ गया, और बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे वही बोल रहे थे ना, इंटर क्या कर गया, X1 इंटर कर गया और आपका S2 क्या हो गया वो। हाँ ठीक है, वो सही बात है, कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे X1 आ गया। अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, हमारा मोटिव क्या होता है कि जो भी, जैसे ये इस वाले पे थोड़ा सा ध्यान से जाओ, पीछे वाले पे एक बार और देखो, एक चीज और बतानी है। कहाँ गया, इस वाले को थोड़ा देखो। यहाँ पे ये कॉलम और ये रो का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है आपका, 5। इसको हम लोग बोलते हैं पिवट और की एलिमेंट, इसको बोलते हैं अपन की एलिमेंट, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट मतलब सिंपली क्या हुआ कि जो भी एंट्रिंग कॉलम है और जो एंट्रिंग रो का जो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस एलिमेंट को बोलते हैं क्या, की एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, जो की एलिमेंट है ना इसको 1 करना होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो और जो उस कॉलम में जो वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या करना होता है, 0 करना होता है। ये क्लियर, ये जो की एलिमेंट है जहां पे भी इंटरिंग कॉलम और आउटगोइंग रो का जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है, इसको आपको 1 बनाना है, और जो इसके करस्पॉन्डिंग वो है, जो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो वैल्यूज है, कोएफिशिएंट्स है, इसको क्या करना होता है, 0 बनाना होता है। इतना क्लियर, ये अपना मोटो। आगे वाले अपने उसमें यही करेंगे, आगे वाले जो अब टेबल देखोगे ना उसमें ये बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे करके देखेंगे कैसे आता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हमारा मोटो क्या है, इसको 1 बनाना है और इसकी जो जो भी करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं उसको 0 करना है। तो इसको 1 कैसे कर सकते हो, इसको 1 इस रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को 1 करना है, कैसे होगा ये 1 बताओ। ये रेशियो को छोड़ो, रेशियो हर बार अलग निकालें, केवल यहाँ तक सोल्यूशन तक। इसको 1 बनाना है तो क्या करना होगा, ये एक मैट्रिक्स समझो, और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हैं इस एलिमेंट को 1 करने के लिए क्या करना होगा, सबसे सबसे सिंपल क्या है, क्या कर सकते हैं बताओ, सबसे सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाना है, कैसे 1 बनाएंगे, रिस्पॉन्स दो, कैसे 1 बना सकते हो, 1/5। ठीक है, हाँ मतलब 5 से डिवाइड कर दो इसको,
तो ध्यान से देखो, जैसे इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 0 बाई 5 हो जाएगा, ये 5 बाई 5 हो जाएगा, ये 3 बाई 5 हो जाएगा, ये 0 बाई 5 हो जाएगा, ये 1 बाई 5, ये 0 बाई 5, और ये भी 1.5 बाई 5 हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है, रेशियो से मतलब, रेशियो हर बार अलग नहीं निकलेगा, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे, हाँ वही कर रहे हैं भाई, वही कर रहे हैं, कुछ और थोड़ी। तो ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 3 बाई 5 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 में 5 डिवाइड करोगे 0 ही हो जाएगा, तो 5 लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 ही लिख दो। 1 बाई 5, 1 बाई 5 हो जाएगा, ये 0 बाई 5 फिर 0 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, 0 ही रहने दो। और जब इसको इसे डिवाइड करोगे 1575/5, तो 315 आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाती है एक्चुअली। तो इतना क्लियर कि इस रो को कैसे अब चेंज करेंगे। इसको 1 बनाया, अब इसको क्या करना है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना, इन सबको 0 करना है। तो यदि इसको तुम 1 कर लिए, ये इक्वल टू हो गया आपका 1। अब ये बताओ, इस वाली रो को हमें वो करना है, 0 करना है, तो इस एलिमेंट, इस रो के करेस्पॉन्डिंग जो ये एलिमेंट आ रहा है, इसको 0 कैसे करेंगे। ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, चेंज कैसे हो चुका है, ये 0 हो गया है, तो ये 0 बाई 5 तो 0 हो जाएगा, इसको कोई इससे ज्यादा छेड़खानी मत करें। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 बाई 5 हो गया, ये 0 हो गया, 1 बाई 5 हो गया, 0 हो गया, ये 315 हो गया, ये क्योंकि इसको डिवाइड कर देंगे तो 315 आ जाएगा। तो अब ये बताओ, इसको 1 बनाना है, 1 कैसे बनाएंगे जब ये 1 है ऑलरेडी, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ, 1 कैसे बनाएंगे इसको, इस एलिमेंट को 1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से बनाना, इसके हेल्प से बना, अरे 1 बोल रहे हैं, इसको 0 करना है इसके हेल्प से। हमने बोला ना कि केवल ये एलिमेंट 1 रहेगा, बाकी सभी क्या है, इसके कॉलम में 0 हो जाएंगे। इसको 0 कैसे बना सकते हो, इस रो के हेल्प से बनाओ, 0 कैसे बना सकते हो, रिस्पॉन्स दो, इसको 0 कैसे बना सकते हो, इसको बाकी सभी को 0 बनाना है, केवल ये 1 रहता बाकी सब 0 कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि ये 1 है, ये 4 है, तो इसको कैसा मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाए कि ये जो है वैल्यू 0 हो जाए, उसे करस्पॉन्डिंग ये सभी वैल्यूज हैं जो रो की चेंज हो जाएंगी इसकी हेल्प से, एस टू वाले कॉलम की हेल्प से, एस रो की हेल्प से। बताओ क्या किया जाए, 4 टाइम्स x2, ठीक है, हाँ मतलब वही, ये जो एस टू है इस वाली रो के करस्पॉन्डिंग, यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इस वाली रो में घटा देंगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है, हाँ 4 टाइम्स c1, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ में आ रहा है ना क्या करना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें घटा दो, तो 0 में 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 0 ही रहेगा, इसमें घटाने से तो 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 4, और 4 − 4 कितना हो गया, 0, तो ये हो गया आपका 0। इतना क्लियर, नया जो टेबल बनेगा, जो कि आगे उसका आंसर लिख रखा है, पर हम तुमको स्टेप बता रहे हैं क्या स्टेप है, तब जाके तुमको समझ में आएगा। ये 0 हो गया, नई वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 5 − 12/5, क्योंकि 3/5 में इतना हो जाएगा। इसको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही रहेगा, तो इसमें घटाओगे तो ये 1 ही रहेगा। इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/5 4/5, तो 0 − 4/5 कितना हो जाएगा, नई वैल्यू हो जाएगी −4/5, ये 0 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या होगा ना, ये जो वैल्यू आई है डिवाइड बाई 5, ये कितना आएगा, 315 आएगा, 315 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 315 × 4, ये 2 6 1260, उस 1260 को 1500 में घटाओगे कितना आएगा, 240 आ जाएगा, तो ये इसकी नई वैल्यू क्या बन जाएगी, 240। तो इस तरीके से हमने इस पूरे रो को विद द हेल्प ऑफ एस टू, ये जो हमारा मोटिव था, 0 में कन्वर्ट कर दिया, उस एलिमेंट को, उससे करस्पॉन्डिंग सब वैल्यू चेंज हो गए, ये क्लियर, हाँ 1260, अरे उसको घटाओगे ना भाई, ये 1260 जो है इसमें से, ये जो वैल्यू आई है इसमें से घटाना है ना, इसमें 1500 में, तो 1500 1200 और घटाओ कितना आएगा, 240 से आना चाहिए, वही हमने लिख दिया यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है। ये क्लियर है ऑपरेशन, क्लियर, एक बार कंफर्म करना तभी आगे बढ़ पाएंगे भाई, बताओगे तभी, ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे, एक बार कंफर्म कर दो कि हो गया कि नहीं दोस्तों, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है कंफर्म हो गई, नहीं भाई ये लेंदी ही है, लेंदी ही है, ये यही है ना, अरे तो इसमें ऐसा है ना कि एन नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेंदी ही है, गेट में क्या है ना, गेट में कैसे पूछेगा, गेट का क्वेश्चन दिखाते हैं ना, वो 2 मिनट में हो जाएगा, बस एक इटरेशन कराएगा, एक इटरेशन बस करना है, और यही बस एक एक दो एक बार मैनिपुलेशन करना है, ये तो अभी एक बार करोगे, अभी एक बार में आंसर नहीं आएगा, अभी इसको कंटिन्यूसली कई इटरेशन करने होते हैं। तो वहां से गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलम माइनस वाला, अच्छा माइनस कैसे किए हैं, देखो
इसको मैं जीरो बनाना था, जीरो कैसे बनाओगे, ये वन ऑलरेडी बन चुका है, तो इसमें फोर का मल्टीप्लाई करके इसमें यदि घटा दे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन इंटू फोर और ये ऑलरेडी फोर था, तो फोर माइनस फोर जीरो, उसे करस्पॉन्डिंग इस इन सभी की, इन सभी में फोर का मल्टीप्लाई किया और इससे घटा दिया, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गई। इतना क्लियर एक बार बता दो, क्लियर हुआ, हो गया ठीक है। अब इसको देखो, इस वाले को जीरो करना है, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, थ्री को, ये वन ऑलरेडी है, इसको सिंपली इसमें घटा दो, है कि नहीं, तो वन माइनस वन घटाओगे कितना आ जाएगा, ये नई वैल्यू इसकी जीरो आ जाएगी, तो जीरो ही रहेगा, इसमें इसको सिंपली घटाना है, तो टू ये ना रहेगा कितना हो जाएगा, टू माइनस ये एज इट इज घटा देना, टू माइनस थ्री बाई फाइव, यहाँ पे क्या है, इसको सिंपल आप घटा रहे हैं तो ये तो जीरो ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या है, इसको भी सिंपली घटा देना है, तो जीरो माइनस वन बाई फाइव कितना हो जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई फाइव, ये वन ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और क्या है ना कि सिंपली आप इसको घटा रहे हो, तो कितना था 420 था ये, और ये डेड 315 था, तो ये कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा नहीं अपडेटेड वैल्यू। इतना क्लियर, ये वाली रो भी क्लियर, इस तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, जो नई टेबल आई है ये हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया, अब वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज कैसे कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये है, ये तुम्हारा वैल्यू है, इसको देखो, वही जो हमने किया है वही यहाँ पे लिख रखा है, देख रहे हो क्या, कुछ समझ पा रहे हो, जो हमने वहां पे किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या हुआ है, इसको वन बनाना था, बाकी सभी को जीरो बनाना था, वन वाले कॉलम में ऐसा कुछ दिख रहा था, जब जीरो बनाया था तो ऐसा कुछ आया था, ये 240 हो गया था, इस तरीके से इस वाले को भी जीरो बनाने के लिए हमने वही किया था, और सिमिलरली इसको भी ऐसे जीरो बना लेंगे, तो एक एक इटरेशन क्लियर, ये समझ में आया कैसे किया हमने, ये क्लियर ना आया ना, तो बोलो ये कैसे, वहां से हम यहाँ कैसे पहुंचे, उस कॉलम उस टेबल से, मैट्रिक्स टेबल से इस टेबल पे कैसे पहुंचे हैं, कैसे इटरेशन किए हैं, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो, हाँ है ना, क्या क्लियर नहीं है, अरे क्या क्लियर नहीं है बताओ, नॉट क्लियर मतलब क्या, कोई रो नहीं समझ में आया, कोई कॉलम नहीं समझ में आया, ए वन बी वन सी वन ये हमने कैसे किया, क्या नहीं समझ में आया, बाकी इसकी हमने, इसकी तुम जो वो स्लाइड्स पढ़ोगे उसमें थ्योरी अच्छे से लिखी हुई है, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू समझाना सबसे अच्छा तरीका होता है, वहां पे चीजें लाइव विजुलाइज होती है, वहां आसानी समझ में आता है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार देखना क्लियर हो जाएगा आराम से, तो ये टेबल बनाना आ गया ना, अपडेट कैसे करते हैं, अब यहाँ पे क्या है ना कि हमको तब तक इस टेबल को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना जब तक ये इस वाले जेड वाले जो रो है इसमें नेगेटिव वैल्यू जब तक आती रहती है, जब तक जहां पे नेगेटिव वैल्यू आना खत्म वहीं पे तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा ऑप्टिमाइज हो गया, तो यहाँ पे अभी भी मोस्ट नेगेटिव कौन सा है इनमें से, यही है माइनस 16 बाई 5 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा माइनस 16 बाई 5 जो है, तो ये मोस्ट नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंपली, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये आउट गोइंग होगा और यहां से एक ये इनकमिंग यहां कहीं आएगा और इनमें से एक कोई जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिंपली इंटरिंग, जो एंटर करेगा, तो इसको यहाँ पे बोलोगे इंटरिंग, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लिस्ट की बात करें तो ये वेरिएबल है, इंटरिंग वेरिएबल, ठीक है, तो ये समझ में है ना, एंट्री कौन करेगा, एक्स टू एंट्री करेगा, अब इनमें से जाएगा कौन, वापस कौन जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे अपन, फिर से वही रेशियो टेस्ट करेंगे, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशंस जो वैल्यूज आए हैं इससे इसको सिंपली डिवाइड करो, तो 240 को जब 13.5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, डिवाइड करके यहीं पे देखते हैं, तो 240 डिवाइड बाय 13 बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 0 1200 डिवाइड बाय 1300, ये कुछ इतना आएगा, 92.3 आएगा, सिमिलरली आप इसको डिवाइड करोगे 315 को डिवाइड करोगे 3/5 से तो इतना आ जाएगा, और 105 को 7/5 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये वैल्यूज क्लियर है, इसमें मोस्ट मिनिमम वैल्यू पता करनी थी, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, मिनिमम क्या है 75 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग जो वो है ये जो वेरिएबल है ये हो जाएगा आपका आउटगोइंग, इतना क्लियर,
ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बता दो, कंफर्म करो कैसे इनकमिंग कैसे आउटगोइंग देख रहे हैं। यहाँ पे हमने वो, अब पिछले वाली टेबल को भूल जाइए, अब जो नई टेबल बनी है ना उसके उस पे इटरेशन लगाना, मतलब जो भी मैनिपुलेशन करेंगे, जो भी स्टेप्स अब करने हैं, कुछ भी आगे नया कुछ करना है तो उस टेबल से कुछ मतलब नहीं है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें अब वही जो प्रोसेस हमने वहां अपनाया है यहाँ पे भी अपनाना है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -16/5, ये तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एंट्रिंग, ये एंट्री करेगा, X2 एंट्री करेगा। आउटगोइंग के लिए हमने क्या तरीका बताया था, कि सिंपली क्या करो, जो भी सॉल्यूशंस है उसको उसे कोएफिशिएंट से, जो भी एंट्री कर रहा है उसे कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी। इस वैल्यू सबसे मिनिमम ढूंढना, मिनिमम क्या 75 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आउटगोइंग हो जाएगा। तो S3 आउटगोइंग है, इसको रिप्लेस करेगा कौन, X2। तो जहां पे S3 दिख रहा है वहां पे तुमको क्या दिखेगा, X2 अगले वाले में, जब अगला वाला टेबल दिखेगा वहां X2 दिखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे भी मोटो क्या है, हमें करना क्या है, इसको ध्यान से देखो, इसको हमें करना क्या है, इस ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस वाली कॉलम का, इस वाली रो का, ये है। तो हमने भी क्या बताया है, जो इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं की एलिमेंट, इसको बोलते हैं, अब क्योंकि नई टेबल आ गई तो नया की एलिमेंट बन गया। इस नए की एलिमेंट को यदि हमें 1 बनाना है तो क्या करो, इन सभी में 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसको 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो कुछ देर के लिए तो कितना बन जाएगा, 7/5 × 5/7 कितना होता है, 1 हो जाएगा। इसको 5/7 से, ये तो 0 रहने वाला है, ये 0 रहने वाला है, ये 0 रहने वाला, इसको 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी -1/7। इसको 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/7 बन जाएगा। इसको 5/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 बन जाएगा नई वैल्यू। तो इस तरीके से अपडेटेड वैल्यू आ गई, 0 0 1 0, -1/7, 5/7, 75, और अभी रेशियोस मतलब नहीं। ये क्लियर, एक बार बताना क्लियर है कि नहीं, ये थोड़ा सा बस समझाने में और आपको अभी शुरू शुरू समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार खुद से लगाओगे ना तो मतलब यूं हो जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल से जो मैट्रिक्स तुम लोग पढ़ते आए हो वहां पे इनवर्स वगैरह निकालने में क्या यही सब तो करते थे, कि करस्पॉन्डिंग रो को मल्टीप्लाई किया, फिर उससे उसको 0 बनाया, इस तरीके से इनवर्स निकालने में, a × a इनवर्स i करने में पूरा मैनिपुलेशन करना होता। तो वही है, मैट्रिक्स है उसी को मैनिपुलेट करना है, कुछ स्टेप्स हैं वो स्टेप्स को ध्यान रखना। इसको 1 बनाया, इसके करस्पॉन्डिंग इन सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो 0 बनाने का वही तरीका हुआ, ये 1 है तो अब इसको कैसे 0 बना सकते हैं, उस तरीके से पूरे मैट्रिक्स ये पूरे टेबल को अपडेट कर लेना। इतना समझ में आया क्या, देखो एक बार, करेंगे करेंगे एक बार और कोई समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, फंस रहा है कहीं, कोई प्रॉब्लम बताना एक बार, देखो एक बार ये कैसे हमने वन बनाया है, इसको एक बार समझो, और उसे करस्पॉन्डिंग है कैसे, इन सभी को हमारा मोटिव होगा इन सभी को 0 बनाना, 0 कैसे बना सकते हैं, ये क्या है ना, ये खुद से करोगे। अभी हम यहाँ तो करा दे रहे हैं, यहाँ पे हम करा देंगे, बनवा भी देंगे, लेकिन जब तक तो खुद से नहीं करोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, वो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है हाँ, अच्छा, हाँ बढ़िया, करो करो करो, अरे अपने से करना पड़ेगा भाई, ये ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। अच्छा ये 92.3 कैसे लाए, अच्छा ठीक है, तो ये कैसे लाए, हमने क्या बोला, रेशियो कैसे निकलता है, जो सॉल्यूशन जो वैल्यूज होती है उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉफिशियंट है जो एंट्रिंग है इसको डिवाइड करते हैं, 240 को 13/5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 240/13/5 कितना हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 240 × 5/13, ये 4th 5 में मैथमेटिक्स पढ़ते थे यार, इतना सिंपल सिंपल। तो अब ये 240 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये 20, और ये 1200 डिवाइड बाई 13, इस 1200 को तुम जब उससे डिवाइड करोगे ना 1300 से, इस 1200 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो 92.3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और जो वैल्यूज हैं वो निकाल लोगे, समझ में आया कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो पूरा अपडेटेड टेबल है वो पूरा स्टेप्स पे ही है, कुछ नहीं करना, इसको 1 बना ही लिया, इसको 0 बाकी बना लेना, सिंपल सा मैनिपुलेशन है। तो अगला वाला जब देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है आगे, कैसे क्या नई टेबल कैसी दिखती है अपन, वो देखना है। तो ये टेबल दिख रही है, हाँ कैलकुलेटर से करो ना, सही तो है, कैलकुलेटर से करो, सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हो जाती है, डेसिमल वगैरह कैलकुलेशन रहती है, तो कैलकुलेटर से करो जल्दी होगा।
तो वही देखो, यहाँ पे हमने हमारा मोटिव क्या था, यही हमने बताया था ना यहाँ। तो यहाँ क्या किया, इस वाले जो वेरिएबल्स को x2 ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यही इंटरिंग था, और इसे करस्पॉन्डिंग ये यहाँ वाली जो एंट्री थी, ये x2 यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इसको 1 बना दिया, बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स उसको 0 बनाना था, ये मोटिव था हमारा। तो ये हमारी नई टेबल कुछ ऐसे दिखेगी, इतना क्लियर। अब यहाँ पे क्या है ना कि वहां पे हम तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज में खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे देखो, जेड के करेस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें जितनी वैल्यूज है सब पॉजिटिव हो गई, मतलब ये हमारा जो फाइनली दो इटरेशन के बाद जो ये सॉल्यूशन आया, जो टेबल आई, ये क्या है, ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही है वो आपका क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू कितनी आई, 270, और x2 की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 270 और x2 इक्वल टू 75। बस अब आगे नहीं जाना, बस ये इतने स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो ये समझ में आया, ये कैसे आया है? अभी तुम लोग ग्राफ से कर रहे थे, तो ग्राफ से इजीली हो गया था ना, और इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे ना, तो वहां फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये है, ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। देखो 270 275, यही तुम लोगों ने, हमने शुरू से पूछा था, तो तुम लोगों ने ग्राफ से किया था, तो ऐसा ही कुछ बताया, सेम x1 270 x2 75, यही आया था ना आंसर, यही आया था। देखो अभी भी यही आ रहा है, सिंप्लेक्स से भी वही आ रहा है। अच्छा यहाँ लिखा कुछ नहीं है जी, लिखा कुछ नहीं, सर्कल किया है, ठीक है चलो कर देते हैं। हाँ लिखा कुछ है ही नहीं है, हाँ ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है, यही जो तुम्हारा है, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी जेड की वैल्यूज हैं सभी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव नहीं रहा, तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा ऑप्टिमाइज हो गया। और ये जो वैल्यूज हैं x1 = 270, अरे ये 270, x1 = और x2 = 75, यही तुम्हारा क्या है, ऑप्टिमाइज वैल्यू है। इसी करेस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो ऑप्टिमम होगा। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ये कैसे आया, ये मतलब दो इटरेशन के बाद तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। यही ग्राफ से भी आया था, ग्राफिकल मेथड से भी कुछ लोगों ने करके बताया था, ठीक है। हाँ, वही है वही है वही, तो वही है ना, वही है वही आया है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं गेट वाला, तो समझ में आया कैसे गेट में कितना इजी आता है, ठीक है देखते हैं गेट वाला क्वेश्चन क्या है। ये तो क्लियर हो गया, बाकी वही एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देख लेना, वो कर ले, वो अपने से करना तो समझ में आएगा, फंसेगा तो बताना। गेट वाला करते हैं क्वेश्चन, मजा आएगा उसमें। ये है गेट का क्वेश्चन, इसको एक बार तो आप लोग अपने से बनाओ, यदि बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो फिर करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन देखो पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखो पढ़ो इसको फिर सॉल्व करते हैं, 1-2 मिनट का समय लो, पढ़ो अच्छे से फिर बताओ क्या करना है। खुद से ट्राई करोगे या फिर हम स्टार्ट करें, देखो एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद करते हैं आराम से। कर रहे हो, हाँ ट्राई करो ना, ट्राई करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि एक सिंपलेस्ट टेबल दे रखी है, एक ही इटरेशन करना है, मतलब वही जो हमने 2 बार किया इटरेशन, एक इटरेशन करो, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस जेड की वैल्यू यहाँ पे जो आरएचएस में जो वैल्यू आ रही है वो बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, फंस रहा हो कोई, बताओ करो ट्राई, 1-2 मिनट दो, खुद से भी दो भाई, तभी क्वेश्चन तो तभी बनने वाले हैं, खुद से करो। ऐसा सोच रहे हो हम सब करवा देंगे तो फिर कहाँ ही, तुमको करना है ना एग्जाम में। ट्राई कर रहे हो कि नहीं कि स्टार्ट करें, ट्राई कर रहे हो तो बताओ, 1-2 मिनट और ले लो। कर रहे हो क्या, हो हुआ किसी से, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसी ने किया क्या, किसी ने किया, कौन सा आ रहा है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन भी दिया है ना, पहला ऑप्शन 48/7, दूसरा 11/3, 22/7, 2/3, कौन सा आ रहा, किसी ने किया क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जेड की वैल्यू क्या हो जा रही है इटरेशन के बाद, बताना जरा किसी ने किया हो तो, अदरवाइज फिर अपन करते हैं, देख लो एक बार किसी ने ट्राई किया क्या, देखो जरा किसी ने किया हो तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा आपके हिसाब से, फिर अपन करते हैं साथ में, देखो एक बार जल्दी कि कोई नहीं कर रहा क्या, या फिर हो नहीं रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दोगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, चुप हो, कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे, या फिर हम सॉल्व कर दें ऐसा कुछ, एक बार वो करो रिस्पॉन्स दो किया जाए,
या फिर कर रहे हो या और टाइम लेना है, इन्फॉर्म कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना जल्दी होता है ये, लग जरूर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन गेट पूछता है, सिंपल सा एक इटरेशन दे देगा, इसको इसकी वैल्यू पूछ लेगा, एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट पूछ लेगा, ऐसे सब पूछ लेगा, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। हाँ, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम तो लगेगा भाई। वो करोगे पहले वन बना के फिर उसे करस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है, टाइम लगेगा। स्टार्ट करें क्या? नहीं, एक तो बोल रहा टाइम लगेगा। हाँ, क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, चलो इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो और अच्छे से क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब दिमाग में बैठेगा हाँ ये इसका ऐसा एल्गोरिदम है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बाकी ये अभी करेंगे, इस क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ से फिर वही पूरी चीजें रिफ्रेश होंगी। तो अभी कोई कर नहीं रहा ना, एक बोल रहा है टाइम लग रहा है, तो हुआ क्या, कहीं किसी नतीजे तक पहुंचे, कुछ कंक्लूड हुआ, या फिर केवल टाइम लग रहा है? हो गया हो तो बताओ, नहीं तो फिर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है ये तो 2013 गेट में आया हुआ है, पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर तो वहां पे मिल जाएगा तुम। स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट ही करते हैं, अदर काफी टाइम निकल जाएगा फिर। तो बोल रहा है पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या है कि ये आपको टेबल दिए, सिंप्लेक्स टेबल दिया है, शोन बिलो इज जनरेटेड ड्यूरिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो मैक्सिमाइजेशन करने के दौरान किसी पर्टिकुलर स्टेप में आपको ऐसी टेबल मिली। अब बोलता है कि एक इटरेशन, मतलब इसको एक बार इटरेशन, वही पूरे स्टेप केवल एक बार करने हैं इसको, तो उसी करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है वो कन्वर्ट होकर किस वैल्यू तक पहुंच जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम्स आफ्टर डूइंग वन इटरेशन। तो ये चार ऑप्शन से उसे करस्पॉन्डिंग करते हैं इसको, तो इस टेबल को बनाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, करते हैं करते हैं करते हैं, क्यों नहीं, हम ही करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये इस टेबल को यहाँ बनाते हैं अलग से, अभी ये इसको साइड में करके तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको ठीक है, टेबल बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी कुछ दिख नहीं रहा हो। टेबल बनाते हैं, क्या दिया है, पहली पहले में यहाँ वेरिएबल दिया है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल, अरे छोटा छोटा लिखो, केवल वी ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल के बाद हो गया आपका जेड, जेड के बाद हो गया क्या आपका एक्स वन, एक्स वन के बाद क्या हो गया एक्स टू, एक्स टू के बाद क्या हो गया एक्स थ्री, एक्स थ्री के बाद क्या हो गया एक्स फोर, एक्स फोर के बाद क्या हो गया एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, जेड और आर एच एस। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, हो गया ना। इसके बाद क्या है, ये जो आपके पास बेसिक वेरिएबल है एक्स टू, एक्स फोर, जेड है, तो ये हो गया आपका जेड, एक्स टू, एक्स फोर। तो पहले क्या दे रखा है, यहाँ वन दे रखा है, यहाँ माइनस वन दे रखा है, ये जीरो वन जीरो, इसकी वैल्यू इनिशियली सिक्स है, और यहाँ पे जीरो दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1 1/3 0 2, और ये ऑप्शन है 0 7/3 0 7/3 के बाद 0 -2/3 और 1/8। ये क्लियर, ये दिख रहा है ना, टेबल दिख रहा है क्या है, यहाँ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, जेड दिया है, यहाँ आर एच एस दे रखा है, ये बेसिक वेरिएबल जेड, एक्स टू, एक्स फोर है, वैल्यूज है 1 -1 0 1 0 6, और एक्स टू के रो में देखें 0 1/3 1 1/3 0 2, एक्स फोर में 0 7/3 0 -2/3 1। इतना क्लियर दिख रहा है ना, विजिबल है ना अच्छे से, 48/7, अरे भाई बहुत बढ़िया, सही है सही है, बहुत सही बन रहा है ना क्वेश्चन, बन तो रहा है, करते हैं अब, हम भी करेंगे।
वहीं तक पहुंचे। लेकिन चलो अच्छी बात है, लगा रहे हैं कुछ बच्चे। करो करो बनेगा भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन आया है, वो भी एक इटरेशन दे रखा है इसने, और दो तीन करा ली होती तो काफी टाइम बच्चे छोड़ देते इसको। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहला वो क्या होता था, मोटिव क्या होता था? पहला मोटिव क्या था कि इंटरिंग कौन सा है, तो इंटरिंग इसमें कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव कौन सा। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है इसमें, -1 जो है वो मोस्ट नेगेटिव है कि नहीं, -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -1 जो है ये हो जाएगा आपका एंट्रिंग, यानी जो X1 वेरिएबल है ये आपका एंट्रिंग वेरिएबल है, X1 ये इंटर करेगा, ये एंट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। आउटगोइंग कैसे निकालेंगे, वो रेशियो निकाल के, तो यहाँ रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो कैसे निकालोगे, तो ये वैल्यू करेस्पॉन्डिंग जो से कॉम्पोनेंट्स है, तो इसकी रेशियो, जेड के रेशियो को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल X2 X4 में अपन चलते हैं। तो 2/1/3, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1/6, या इसको ऐसे लिखो, पर लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको। 2/1/3 लिखना है, तो 2/1/3, इसको ऐसे करोगे तो एक्चुअली लिखा है आपका 6, 2 × 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2/7/3, तो 2/7/3 ये हो जाएगा, 2 × 3 = 6/7, इसमें मिनिमम कौन सा है ये, तो ये आपका जो X4 हो है, X4 क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना, इनकमिंग कैसे पता किया, आउटगोइंग कैसे पता किए, ये क्लियर क्या, ये मिनिमम था। तो अभी हमने क्या अभी पढ़ा कि जो मिनिमम होता है उसे करेस्पॉन्डिंग जो रो है उसका जो वेरिएबल है वो आपका आउटगोइंग है और ये एंट्रिंग है। तो इसमें जो की एलिमेंट है वो क्या है, ये 7/3 आपका की एलिमेंट, ये आपका की एलिमेंट हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताना तो। हाँ 48/7 करेक्ट है, करेक्ट है, और लोग भी करो। ये क्लियर हुआ इतना कि इंटरिंग कैसे पता करेंगे, आउटगोइंग कैसे पता करेंगे, ये क्लियर है कि X1 इंटरिंग है और X4 आउटगोइंग है, ये क्लियर, क्लियर है क्या, एक बार हाँ ना तो बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे बोल दो भाई तो हम भी एनर्जाइज रहेंगे, अदरवाइज तो फिर कैसे चलेगा। अब क्या है, इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए देखो क्या करना है, यदि इसको 1 बनाना है, 7/3 को 1 बनाना है, इस वाले को हमारा मोटिव क्या होता था, इसको 1 बनाना है, बाकी को 0 करना है एक इटरेशन पे। तो इसको यदि 1 बनाना है तो इसको क्या करो, 7/3 है, 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरी जो टेबल है वो कैसे चेंज होगी, यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा हमें टेबल, तब जाके समझ में आएगा। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके जेड वैल्यू है, जेड के बाद ये X1 के कोएफिशिएंट यहाँ पे आएंगे, X1 के बाद यहाँ X2 आएगा, X2 के बाद यहाँ X3 आएगा, X3 के बाद यहाँ X4 आएगा, और X4 के बाद आपका RHS, वही जो वैल्यू आ रही है वही हमें चाहिए RHS चाहिए, और इस वाले में है आपका जेड, यहाँ पे वेरिएबल जेड है, यहाँ X2 है, X4 को कौन सा रिप्लेस कर रहा है, एंटरिंग कौन सा, X1, ठीक है, ये दिख रहा है ना इतना, ये थोड़ा अच्छे से कर दिया जाए। ये आपका है आपका X2, और यहाँ पे एंटर कौन सा कर जाएगा, X1। ये इतना क्लियर। अब क्या है ना कि पहले X1 के साथ डील करते हैं, इसको क्या करना था, इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया 3/7 से, तो पहला वाला जो जेड का करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम हुआ 0, इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2/3 को 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -2/7 और 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 और 2 को 3/7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 6/7। ये क्लियर, ये वैल्यूज क्लियर क्या X1 की, एक बार कंफर्म करना। अच्छा की एलिमेंट बता दो, अरे है तो भाई एक ही एलिमेंट, ये जो एंट्रिंग वेरिएबल है और जो आउटगोइंग वेरिएबल है, इसका जो इंटरसेक्शन है वेरिएबल पॉइंट कौन सा, यही आ रहा है,
इस वाले कॉलम को देखो, इस वाले रो को देखो, तो यही तो है जो कॉमन है इन दोनों में। तो यही जो एलिमेंट है, की रो की एलिमेंट है, इसको वन करना होता, वन करने के लिए 7/3 से इस पूरे रो में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये क्लियर कि नहीं, एक बार देखना, तो एक बार जल्दी से कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने वैल्यूज अपडेटेड वैल्यूज लिख रखी हैं, क्लियर कि नहीं, एक बार बता दो। हाँ ना बोलो, तभी होगा। एक बार कंफर्म कर दो फिर, तभी ना। हाँ ना बोल ही नहीं रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं दोगे कैसे होगा। ठीक है, और बाकी लोगों को ठीक है, तो चलो क्लियर है, अच्छी बात है। हाँ तो इसको वन बनाया, अगला मोटिव क्या होता था, इसके करिस्पॉन्डिंग जो और वैल्यूज हैं बाकी सभी को जीरो करना था, तो इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। लेकिन हमें एक्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले रो के एलिमेंट लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सीधा पूछ रखा है कि जेड की वैल्यू क्या है। वो यहां तो हमें जेड मिलने नहीं वाला, जेड मिलेगा हमें इस रो से, तो हम केवल इस रो को सॉल्व करेंगे। इस रो को हम क्यों जबरदस्ती अपना टाइम दे, हमें पूरा वो बोर्ड के क्वेश्चन तो करने नहीं, गेट क्वेश्चन करने हैं। तो एक्स को वैल्यूज नहीं निकालने की बजाय केवल जेड की वैल्यूज पे हम फोकस करेंगे। तो ये तो इस पर कोई चीज नहीं है, तो वन ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको जब जीरो को मल्टी, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो। यदि ये -1 है और इसको हमें जीरो करना है, इस वाले को जीरो कैसे कर सकते हो, इसको वन बनाया, इसको हमने वन कैसे बनाया, इसको हमने वन बनाया सिंपली। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अपडेटेड वैल्यू है ये वन बन चुका है, ये -1 है, तो कैसे जीरो कर सकते हो इसको। ये एलिमेंट को हमें जीरो करना है, ये वन ऑलरेडी है, तो कैसे, दोनों को ऐड कर दो, -1 और इस एलिमेंट को ऐड करोगे तो ये अपने आप यहाँ पे जीरो हमें दिखेगा। यानी सिंपल सा क्या करना है, इस रो में, इस रो के जो अपडेटेड वैल्यूज है इनको ऐड कर दो, तो हमें नई जो जेड की जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगी, जो उसे करस्पॉन्डिंग ऑफसेट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो इसको ऐड किया, 1 + 0 = 0, -1 में ये जो अपडेटेड वैल्यू है इसको ऐड करोगे 0 हो जाएगा। ये क्या है, 1 x3 वाला जेड हो गया, x1 हो गया, x2। तो x2 में क्या है, यहाँ पे 0 दे रखा है ना, तो 0 में आप कितना ऐड करो इस x2 को, देखो 0, ये 0 ही रहेगा। x3 यहाँ पे कितना था, 1, और इस 1 में से x3 का अपडेट वैल्यू कितना, -2/7। तो 1 में -2/7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 - 2, ये हो जाएगा आपका 5/7। इसके बाद अगला क्या है, x4 यहाँ पे उठाओ, 0 है, यहाँ पे x4 की वैल्यू कितनी हो चुकी, 3/7, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3/7। इसके बाद RHS में 6 था, यहाँ कितना है, 6/7, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 6 + 6/7, ये हो जाएगा आपका 48/7। और इसने बोला एक इटरेशन के बाद जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो एक इटरेशन के बाद जेड की वैल्यू कितनी होगी, 48/7, यही आपका आंसर हो गया। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है दूसरे किसी वैल्यूज लिखने की, 48/7 आपका जेड की वैल्यू हो गई आफ्टर 1 iteration। कितना इजी क्वेश्चन था, ये समझाने में इतना समय लगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, इस टेबल से इस टेबल में पहुंचना है, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखा और सीधा इस पे चले गए। जितने भी करने को, तुम इन वैल्यूज को भी नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा इसके हेल्प से इसको निकाल सकते हो सीधा, कि इसको ऐड करना है तो ये 0 बनता है, तो सिंपली इसमें ऐड कर दो तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी। तो यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं, x1 कैसे आया, x1 कौन था, ये 0 या ये वाला, इसको 1 कैसे बनाया, कौन सा वाला पार्ट, इधर 0, ये फर्स्ट रो की बात करें, थर्ड रो की, दो अलग अलग चीजें हैं। कौन से वाले रो में डाउट है, अदरवाइज दो रो है ना, कौन से वाले x1 में, यहाँ प्रॉब्लम है इस कॉलम के, इस जेड वाले रो में या x1 वाले रो में। अच्छा x1 कैसे आया, नहीं समझे, कौन सा वाला x1, ये x1 0 कैसे आया ये नहीं समझे क्या, एक बार कंफर्म करना, ये 0 कैसे आया ये नहीं समझे क्या, एक्स, हाँ फर्स्ट रो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो देखो क्या किया, क्या है हमने, ये पूरा वो था, इसको हमने पूरा क्या कर दिया, अपडेट करके पूरा वन बना दिया, ये हमारा मोटिव होता था। और इसकी जो ऊपर वाली जो वो होती हैं वैल्यूज होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग कॉएफिशिएंट्स होते हैं उस कॉलम में, उसको जीरो करना होता है, क्योंकि हमें जेड की वैल्यूज निकालनी है, हमें x2 से मतलब नहीं है, केवल हमें जेड की वैल्यूज ने पूछ रखी है एक इटरेशन के बाद क्या है, तो इसको इसलिए हमने खाली छोड़ दिया, इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा इस पे गए। तो इस पे क्या है, यदि यहाँ पे 1 है और x1 में यहाँ इनिशियली क्या था, -1 था, यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, -1 में यदि ये वाली वैल्यू ऐड कर दो, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि इस रो के हर एलिमेंट को, इस रो के हर एलिमेंट से ऐड करना है सिंपली। तो उसको 1 वहां पे, यहाँ पे 0 ऐड किया 1 हो गया, -1 यहाँ पे, +1 ऐड किया 0 हो गया, 0 में
जीरो ऐड किया, जीरो ही रहा। एक्स थ्री को ध्यान से देखो, वन था यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एक्स थ्री में माइनस टू बाई सेवन है, एड करोगे कितना हो जाएगा, फाइव बाई सेवन हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर करोगे थ्री बाई सेवन हो जाएगा। आर एच एस में इनिशियली क्या था, सिक्स था, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू सिक्स बाई सेवन है, चूंकि दोनों रोज को एड करना है, तो सिक्स प्लस सिक्स बाई सेवन करोगे 48 बाई सेवन आ जाएगा। क्लियर, देखना है एक बार क्लियर हुआ कि नहीं। अभी भी डाउट हो तो बताओ, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो अपने से, फिर डाउट हो तो बताओ, कहीं कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो। हाँ ना, तो अच्छा क्लियर हो गया, अरे भाई बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया तो अब क्या चाहिए फिर। हाँ हाँ वो ठीक है, करेंगे करेंगे, ठीक है ठीक है। टेबल के साथ ही आएगा, हाँ भाई टेबल के साथ ही आएगा जनरली, यदि आसान क्वेश्चन में आना है। थोड़ा मुश्किल करना है तो हो सकता है तुमको, जैसे भी हमने एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दे, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फिर जाके तुम ये टेबुलेट कर रहे हो पूरा, फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, तो हमें नहीं लगता इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा। टेबल दे के ही एक दो इटरेशन तुमसे कराएगा, जैसे टेबल दे दिया जेड की वैल्यू, जैसे यहाँ पे पूछ लिया वहाँ पे कुछ और पूछ लिया, एक्स वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा अपडेट करने के बाद, या एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इतना सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा गेट में। और ये और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उस ग्राफ वाले से करो, क्योंकि वो ग्राफिकल जो पोर्शन है ना वो सबसे ज्यादा कवर करने वाला है। ये तो मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं, काफी हद तक एक इसका ओवरव्यू होना चाहिए, मतलब स्टेप्स क्या क्या लगते हैं ये पता होना चाहिए, तो फिर क्या मतलब है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और दो मार्क्स का आई थिंक आया हुआ 2013 में, देखना है एक बार, तो दो मार्क्स चले जाएंगे। दो मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखते हैं, ये तो आप समझ सकते हो काफी अच्छे से, कितनी रैंक इधर उधर हो जाती है। एक्स फोर को एक्स वन क्यों लिखा, एक्स फोर को एक्स वन क्यों लिखा, कहाँ लिखा है एक्स फोर को एक्स वन, कहाँ लिखा है एक्स फोर को एक्स वन, अच्छा क्यों लिखा ये बताओ। ये आउटगोइंग वेरिएबल है, तो ये यहाँ से रिप्लेस करेगा, इसको कौन रिप्लेस करेगा, जो यहाँ एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग वेरिएबल क्या था एक्स वन, तो एक्स फोर को यहाँ हटाया और एक्स वन को यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो एक्स फोर की जगह एक्स वन रख दिया, वो अभी पहले भी कर रहे थे ना, यही तो करना था, यही तो वो करना होता है, हमें रिप्लेस करना होता है ना वेरिएबल्स को, इसलिए यहाँ पे रिप्लेस किया। समझ में आया कि नहीं, एक्स फोर को एक्स वन क्यों लिखा है, वो जहाँ पे जो एंटर कर रहा होता है आउटगोइंग की जगह वो ले लेता है, तो आउटगोइंग वेरिएबल ये गया और एंट्रिंग वाला वहां एंट्री कर गया, ठीक है। समझ में आया, कभी भी डाउट है, हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात। और कोई डाउट किसी को, और कहीं पे कोई कुछ भी, एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है उसको आप लोग अपने से ट्राई किए, तीन वेरिएबल्स हैं, वहां पे ज्यादा इटरेशन लगेंगे, ज्यादा मतलब मेहनत लगेगी, ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग अपने से करिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा पर हो जाएगा, एक प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पे रख दिया है, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। ये इसके क्वेश्चंस लगाइए, बाकी ग्राफिकल वाले जितने मिले, ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, दो वेरिएबल वाले जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो तो लगा। इसको आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को करके आना, करना मतलब घर में करना जब समय मिलेगा आराम से, ये क्वेश्चन चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ये है एस वन एस टू एस टू, या मॉडिफाइड फॉर्म दे रखा है, मॉडिफाइड पे नहीं जाना है भाई, मॉडिफाइड का मतलब क्या है जब सब दिख ही जाए, ये है क्वेश्चन। कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है इसको, तो सिंपली जेड डैश जो सिंपली लिखा है केवल इतने को कन्वर्ट करो, तो ये है क्वेश्चन, चाहो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज ये पीपीटी भेज देंगे फिर आराम से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट डाउन कर लो, यदि करना है, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं, जो जिसको करना है वो कर सकता है, एक बार कर लो, किसी को करना है तो, ये क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस यदि करनी है तो ये लिख लो और इसको बनाना और आराम से सॉल्व करो, ये ऐसे ही आएगा। और ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दो तीन एक दो इटरेशन लग सकते हैं। और कितने मेथड्स हैं एलपीपी के लिए, अरे भाई बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और इसी को और सिंप्लेक्स को और मॉडिफाई करते हैं तो बिग एम टू फेज वो अपने काम का नहीं है, वो ऑपरेशन सब जब पढ़ना होता है तब वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज और भी मेथड्स होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के कई मेथड्स हैं, तो ये मेन है, मेन ग्राफिकल मेथड पे ही पूरा फोकस रखो, उसी क्वेश्चन बनाओ, कैसे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसी पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी का क्वेश्चन आते हैं हर साल आता है, उसकी फ्रिक्वेंसी काफी फ्रिक्वेंट है। ये क्या है ना कि ये अचानक से हो सकता है कि किसी साल अचानक से एकदम वो किया, गेट ने सरप्राइज किया और ये दे दिया, सिंप्लेक्स दे दिया, तो तैयार रखना रहना अपने आप को, बस इसलिए सिंप्लेक्स पढ़ लेना, बस और कुछ नहीं, इतना है। तो इसको चाहो तो आप और कितने, ठीक है, तो
इसको एक बार देख सकते हो, देख सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन को यदि लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई डाउट हो सिंप्लेक्स में ये तो बताओ, कोई डाउट हो सिंप्लेक्स में अभी कोई डाउट हो तो कहीं पे। स्लाइड खोल लेते हैं, जो फाइनल स्लाइड थी जहां पे हमने खत्म किया था ये क्वेश्चन के साथ। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार बताना, कुछ हो डाउट कहीं पे एक बार कंफर्म करना, कहीं डाउट है क्या ना, एक बार कंफर्म कर दो, अभी थोड़ा टाइम है। फिर बाकी अब क्या है ना, कल से क्या करेंगे अपन, लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो गया, गेट में तो इंपॉर्टेंट केवल है ग्राफ, लेकिन ग्राफिकल मेथड, लेकिन सिंप्लेक्स में हमने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि 2013 में आया, वो आसान क्वेश्चन है, छूट जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है, वेटेज तो है ही, 1 या 2 मार्क्स क्या सब, 0.33 0.66 मार्क्स पे रैंक इधर उधर हो जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट तो हो जाता है इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ डिस्कस कर लिया सिंप्लेक्स। इसके बाद कल अपन स्टार्ट करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट में कुछ नहीं रहेगा, सिंपल सा एक ही मेथड है, हंगेरियन मेथड से पूरा सॉल्व करना होता है, बहुत ही ईजी, मतलब सेट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं उसको बार बार, और उस पर क्वेश्चन आए, हर 2 साल में एक बार आया वो क्वेश्चन, तो वो है। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या, सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे, उसके 3 तरीके हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो तो, जैसे वो गए अप्रोक्सीमेशन, लीस्ट कॉस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वो करेंगे। उसके बाद एक और उस पर क्वेश्चन आया नहीं है कि इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के बाद भी और आपको मॉडिफाई करना है, मतलब और भी ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, स्टेपिंग स्टोन, मोदी मेथड, वो देखेंगे थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और इस तरीके से कल वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है और असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो पूरा कल कवर करने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चंस। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। आज आपका यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो गया, जो भी उसमें सिंप्लेक्स और जो भी ग्राफिकल था, ग्राफिकल भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए सिंप्लेक्स, क्योंकि उतनी ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है इसका, बस एल्गोरिदम दिमाग में रहे और कुछ सर्टेन क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि इससे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, और यदि बहुत डिफिकल्ट आए तो फिर नहीं बनेगा किसी से, फंस जाएगा वहाँ, टाइम लगेगा। हाँ अपलोड करा देंगे भाई, वो क्यों नहीं कराएंगे, जैसे अब तुम्हारा एलपीपी खत्म हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो इसको करा देंगे, इसमें इसको करा देंगे, ये पीपीटी वगैरह जो है इसी को करा देंगे, और इसके अलावा जो वो है कल का जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट वो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर आगे नेटवर्क एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे, और जो भी आगे है वो पूरा कवर करेंगे, कवर करना है। तो ठीक है, फिर कोई डाउट किसी को एक बार बता दो, किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो एक बार बता दो, डाउट वगैरह है क्या किसी को भी। ऑब्जेक्टिव निकालना, कैसा ऑब्जेक्टिव निकालना भाई, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम से कैसे ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, तो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा यार। क्वेश्चन जैसे अभी वो 2024 वाला गेट का क्वेश्चन किया था, जिसमें फेज 1 और फेज 2 था, वो वीडियो देखो ना, वहां पे ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है तो धीरे धीरे वो कर सकते हो, जा सकते हो, डाउट हो किसी को, डाउट हो तो भी पूछ सकता है, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट में खत्म एंड करते हैं, किसी को कोई डाउट, ऐसा डाउट जो मतलब अभी जो सिंप्लेक्स पढ़ा है यहाँ पे कुछ फंस रहा हो, अदर वो एलपीपी का भी डाउट छोटा मोटा डाउट चलेगा, अदरवाइज यदि ज्यादा बड़ा मेजर डाउट है तो आप सीधा वो देख लो, लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर उसमें है, लाइव वीडियोज में जाओगे ना वहां पे दिख जाएगा, जो बाकी 3 लेक्चर्स हमने लिए हैं वो अपलोड हो गए। ठीक है ठीक है, अरे भाई ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है, सरप्लस से क्या है ना वहां पे इनइक्वालिटी, जनरली हम क्या है हर हर क्वेश्चंस को स्लैग के टर्म में ही लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब यदि ग्रेटर देन का सिंबल हो तो उसको स्मॉलर देन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनइक्वालिटी वो दोनों दिया है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो नहीं आएगा, उस तरीके क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा भाई, उतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो गेट का यही है, सिंपल सा टेबल वगैरह दे देगा, मैनिपुलेट करा के पूछेगा भाई, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। X4 से X1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, X4 से X1, अरे ये देखो एंट्री वेरिएबल तुम्हें पता था क्या है, X1 है और आउट गोइंग ये है, तो X4 जाएगा और X1 आएगा, तो X4 की जगह हमने सिंपली X1 रख दिया, और X1 को हमें पता है कि जो यहाँ पे इसका जो कॉफिशियंट होता है की एलिमेंट का, वो 1 करना होता है, बाकी सभी को 0 करना होता है, इसको 1 करना होता बाकी सभी 0 करना होता, इसको 1 बनाया किससे, मल्टीप्लाई करके 3/7 से, और इसको 0 बनाने की कोशिश की, इस तरीके से किया, क्लियर। और कुछ ठीक है, फिर यहाँ पे आई थिंक ये खत्म हुआ आपका सिंप्लेक्स, खत्म हुआ और सिंप्लेक्स खत्म हुआ और ग्राफिकल कर लिया था पिछले लेक्चर में, कंप्लीट कर लिया था।
तो अब आगे पढ़ेंगे कल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, वो भी काफी इंटरेस्टिंग हैवी वेटेज है। जिसका वेटेज हैवी है ना उसको काफी अच्छे से करेंगे, बाकी करेंगे सब टॉपिक अच्छे से, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गेट के जहां से, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अरे भेज देंगे भाई, वो तो फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी टाइम ले लेगा। हाँ करेंगे अंतिम में, यदि होता है समय मिलता है तो एक बार। ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा नहीं ना, सिंपल पूछेगा। ज्यादा फोकस तुम ग्राफिकल वाले में करो, इस पे दिमाग मत लगाओ, इसका केवल ओवरव्यू ले लो, कैसे है क्या जनरल इसका तरीका है। अदरवाइज ऐसा सोचोगे कि पूरा एकदम इंडेक्स में पढ़ के जाए, क्या मतलब तुमसे ग्राफिकल बन नहीं रहा, इसको करोगे तो क्या मतलब। पहले ग्राफिकल पे ज्यादा फोकस करो ना, क्योंकि हमें तो लगता है यदि 100 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं गेट के इससे, तो 80% वेटेज तो उसका ग्राफिकल का है, 80 क्या 95% है, एक क्वेश्चन आया हुआ अभी तक के गेट के स्टे में, क्या पता सरप्राइज करने के लिए गेट दे दे पर वो आसान क्वेश्चन देगा, तो क्यों पीछे पड़ो इसके, इतना ज्यादा इन डेप्थ मत जाओ, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो ना, ग्राफ वाले लगाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स लगाओ, उसको कन्वर्ट करो ऑब्जेक्टिव में, वो डिफिकल्ट होता है, वहां पे काम करो। हाँ आर्टिफिशियल भी रहता है भाई, वो और डिफिकल्ट हो जाते हैं बस, आर्टिफिशियल रहता है जब इक्वलिटी भी आ जाती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, वहां पे आर्टिफिशियल और सरप्लस दोनों चाहिए होता है, उतना नहीं जाना भाई, इतना इन डेप्थ मत पढ़ो, मतलब करने को कर सकते हो जब क्वेश्चंस तुमसे सब बन जा रहे हैं, ग्राफिकल के हर क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो तो सिंप्लेक्स पे जा सकते हो, और गेट में उतना इसका वेटेज नहीं है ना, तो टाइम मत खराब करो, कहीं और अच्छे से पढ़ लो। इसको हमने इसलिए बता दिया क्योंकि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आ सकता है, बस इसलिए हमने इसकी ओवरव्यू, इसका एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या एल्गोरिथम है, कैसे काम करता है। बहुत इनडेप्थ पढ़ना है तो भाई यूट्यूब में भर भर के पढ़ा हुआ है, आराम से देख सकते हो, मतलब इनडेप्थ एकदम जाना है तो भाई इतना इतना वो मत करो, इतना लोड मत लो, ऐसा कुछ उस तरीके से नहीं जाना है। तो क्या करें, हो गया एंड करें, चलते हैं फिर कल स्टार्ट करेंगे अपन 9 9 बजे से, क्या स्टार्ट करेंगे, पहले असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट छोटा सा है, एक लेक्चर में हो जाएगा, उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आसान कुछ डिफिकल्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे समय लगेगा क्योंकि उसके मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, उसके बाद और मॉडिफाई करते हैं उसको, तो उस पर समय लगेगा, कल कल वो हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे का प्लान क्या करना है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, जा सकते हो आप लोग, चलते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं सेशन को, किया जाए, चले। हाँ, बता देंगे भाई, बता देंगे, अब आज तुम लोगों का मैथ्स क्लास है ना, बता देंगे भाई आराम से भी, कहाँ। हाँ, अपलोड ठीक है ठीक है ठीक है, कर देंगे कर देंगे, लिख लेना भाई अभी कर देंगे, ठीक है अभी तो क्लास करो, और जो दूसरा क्लास है कर देंगे कर देंगे, चलो अच्छा ठीक है, ओके चलो अच्छा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.